उस पराक्रम के समय में बार बार वो ये कहते थे कि आजादी मिलने के बाद भारत कैसा होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने बार बार कल्पना की थी कि भारत स्वदेशी होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए, भारत का किसान, भारत का मजदूर गौरव के साथ इस देश में रह सके, ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, न्याय मिले और न्याय की व्यवस्था ऐसी हो जो तत्काल संभव हो, ऐसी उन्होंने कल्पना की थी। और एक राम राज्य की प्रस्तुति उन्होंने अपने कल्पना के हिसाब से व्याख्यानों के माध्यम से की थी। गांधी जी से बार बार पूछा जाता था कि आजादी आएगी फिर आप क्या करेंगे, तो वह बोले राम राज्य लाने की काम करूंगा। तो दुर्भाग्य गांधी जी का और हमारे देश दोनों का यह था कि आजादी आने के थोड़े दिन के बाद ही उनकी हत्या हो गई और उनका कान कुछ अधूरा सा छूट गया। गांधी जी की मृत्यु के बाद उसी गांधी जी के कल्पना को साकार करने का काम हम लोगों ने शुरू किया है स्वदेशी अभियान और आंदोलन के माध्यम से, मैं इसी में लगा हुआ हूँ। यह अभियान महात्मा गांधी के आश्रम से शुरू हुआ सन 1992 में 8 जनवरी को। गांधी जी का भारत देश में दो आश्रम, एक तो सेवाग्राम वर्धा है और दूसरा साबरमती अहमदाबाद। सेवाग्राम वर्धा से यह अभियान शुरू हुआ था। भारत देश में इस अभियान की हमें जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत ऐसे पड़ी कि भारत देश आजादी के 60 साल के बाद भी जिन व्यवस्थाओं में चल रहा है वो व्यवस्थाएं स्वदेशी नहीं। जैसे उदाहरण के लिए गांधी जी को एक बार आजादी मिलते ही, जैसे 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, उस दिन महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे, ये हम सब जानते। वो दिल्ली से हजारों मील दूर एक छोटे से गांव में थे, उस गांव का नाम है नोआखानी। ये नोआखानी गांव बंगाल में, अभी वो बांग्लादेश में चला गया। हालांकि 1971 में बंटवारा हो गया तो बांग्लादेश का एक हिस्सा जो पाकिस्तान में चला गया था अब वो बांग्लादेश का हो गया। तो बंगाल के एक छोटे से गांव नोआखाली में थे, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का एक बहुत सीनियर रिपोर्टर गांधी जी का इंटरव्यू ले रहा था। तो उसने गांधी जी से प्रश्न पूछा कि अब आजादी आ गई है क्या होगा, आजादी मिलते ही क्या होगा। तो गांधी जी ने कहा था कि आजादी मिलते ही सबसे पहले अंग्रेजों के बनाए गए जो कानून भारत में चल रहे हैं इन कानूनों को कलम की एक नोक से हम खत्म कर दें। अंग्रेजों के बनाए हुए जो कानून इस देश में चल रहे हैं कलम की एक नोक से वो सब कानून हम खत्म कर दें। तो उस अंग्रेजी पत्रकार ने पूछा गांधी जी से कि कितने अंग्रेजी कानून इस देश में है जिनको आप खत्म करेंगे। तो गांधी जी ने कहा 34,735 34,735 कानून अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए हम उनके कलम के एक नोक से खत्म कर देंगे और हमारे देश में स्वराज आ गए। दुर्भाग्य हमारे देश का यह हुआ कि गांधी जी तो खत्म हो गए लेकिन वो अंग्रेजों के बनाए गए 34,735 कानून आज भी वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। उनमें से एक भी कानून खत्म नहीं हुआ। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया इस देश में इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, वो वैसे का वैसा ही चल रहा था, बस उसका नाम बदल गया। अब उसका नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया इंडियन पुलिस एक्ट, वो वैसे का वैसा ही चल रहा है। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया लैंड एक्विजिशन एक्ट, किसानों से जमीन छीनने का कानून, वो वैसे का वैसा ही चल रहा है। अंग्रेजों ने बनाया इनकम टैक्स एक्ट का कानून, वैसे का वैसे ही है। सिंपल एक्साइज एक्ट का कानून, वैसे का वैसे ही है। ऐसे सब के सब कानून है। एक कानून बहुत खतरनाक है जो चल रहा है इस देश में। अंग्रेजों ने भारत की गाय को काटने के लिए एक कानून बनाया था और वो गाय को काटने का कानून अंग्रेजों के जाने के 60 साल के बाद भी चला। अंग्रेजों के जमाने में जब गाय को कत्ल होता था तो एक दिन में लगभग 30,000 से 35,000 गाय काटी जाती थी। अब अंग्रेजों के चले जाने के बाद इस भारत देश में एक दिन में 3.5 से 4 लाख गाय कट जाती। अंग्रेजों के समय में 30,000 गाय कटती थी एक दिन में, अब अंग्रेजों के जाने के 60 साल के बाद इस देश में 3.5 लाख गाय हर दिन कट जाती। हर दिन 3.5 लाख गाय इस देश में कट जाती। 36 वर्ष से एक ट्रक भर भर के गाय जाती है और रोज कटती। आप जिस क्षेत्र में बैठे हैं
इसी क्षेत्र से ट्रक भर भर के रोज गाय जाती है और कट जाती है, महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, ऐसे भारत में 35 राज्य हैं, सभी राज्यों में बड़े पैमाने पर गाय का कत्ल होता है। अंग्रेजों ने ये कानून बनाया था, अंग्रेजों के बाद भी ये कानून चल रहा है। हमारे भारत देश में हर दिन जो 3.5 लाख गाय कटती है, अगर साल का आप हिसाब निकालें तो 365 में 3 लाख का गुणा कर लीजिए, 3.5 लाख का गुणा कर लीजिए। और ये गाय काटने के बाद मांस बनता है, करीब 72 लाख मीट्रिक टन गाय का मांस उत्पन्न होता है, वो मांस भारत में बिकता है और भारत के बाहर भी बिकने के लिए चला जाता है। आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत बड़ी आबादी है जो गाय का मांस खाती है, जैसे अमरीका में रहने वाले लोग, यूरोप में रहने वाले लोग बड़े पैमाने पर गाय का मांस खाते हैं। अमरीका और यूरोप में भी गाय होती है लेकिन वो अपनी गाय का मांस नहीं खाते। यूरोप और अमेरिका के लोग गाय का मांस खाते हैं लेकिन हिंदुस्तानी गाय का मांस खाते, वो अमरीकी गाय का मांस नहीं खाते। क्यों? अमरीकी और यूरोपियन गाय का मांस खाए तो बीमारी बहुत भयंकर हो जाती है और उस बीमारी में आदमी की मौत हो जाती है। कारण क्या है? अमरीकी और यूरोपियन जो गाय है उसको खुद बीमारियां बहुत रहती है। जैसे अमरीका और यूरोप की गाय को एक बीमारी होती है, उसमें सिंग पक जाता है, उसका जो खुर है वो भी पक जाता है, सिर पका, खुर पका उसको कहते हैं। ये बीमारी के कारण वहां जो गाय का मांस होता है तो उसमें वायरल इंफेक्शन बहुत होता है और वो वायरल इंफेक्शन से वाला पीड़ित और दूषित मांस अगर खाए तो खुद को भी बीमारी आती है, वहां लोग मर जाते हैं, इसलिए वो अपने देश की गाय का मांस नहीं खाते। तो उनको गाय का मांस को खाना लेकिन अपने देश की गाय का नहीं खाते, भारत की गाय का मांस खाते। तो भारत की सरकार के साथ अमरीकी और यूरोप की सरकारों ने एक समझौता कर रखा है, उस समझौते के तहत यहाँ गाय लगती है और उसका मांस यूरोप और अमेरिका चला जाता है और वहां उसको खाया जाता है। परिणाम क्या होता है? भारत में अगर गाय कटे और इस गाय का मांस यूरोप और अमेरिका में जाए तो इस देश में गो रक्षा करने वाले, गो संवर्धन करने वाले और गो संरक्षण की बात करने वालों के सामने बहुत बड़ी तकलीफ की स्थिति पैदा हो जाती है। मैं ऐसा ही एक व्यक्ति हूँ जो मानता हूँ गो रक्षा होनी चाहिए, गो संवर्धन होना चाहिए, गो संरक्षण होना चाहिए, लेकिन हर दिन मुझे ये कछोटता है कि मैं रात को सोकर जब सवेरे उठता हूँ तो 3.5 लाख गाय कट चुकी होती है। उसके लिए हमारे देश में 3,600 कतलखाने चलते जिनको भारत की सरकार ने बाकायदा लाइसेंस दिया हुआ है। 3,600 कतलखाने ऐसे चलते हैं जिनको सरकार का लाइसेंस है और 36,000 कतलखाने ऐसे चल रहे हैं जो बिना लाइसेंस के गैर कानूनी है। तो 36,000 कतलखाने गैर कानूनी, 3,600 कतलखाने कानून के हिसाब से, कुल मिलाकर इतने कतलखाने हैं कि गाय का कत्ल होता ही रहता है। एक ही कतलखाना इस देश में इतना बड़ा है कि एक ही दिन में 10,000 गाय को काट देते हैं। मैंने मेरी आंखों से देखा है, मुंबई शहर में एक बहुत बड़ा कतलखाना है देवना, वहां एक दिन में 10,000 गाय कट जाती है। यहां से ज्यादा दूर नहीं है कलकत्ता नाम का एक शहर है, बंगाल की राजधानी कलकत्ता में एक कतलखाना है बोली ग्राम में, वो एक दिन में 15,000 गाय काट देता है। और कलकत्ता के नजदीक में आप जानते हैं बांग्लादेश की सीमा है, तो मैंने बांग्लादेश की सीमा पर जाकर देखा है, हर दिन भारत की हजारों गाय कलकत्ता से या बंगाल की सीमा से बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के 3-4 किलोमीटर के अंदर ही कतलखाने लगे हुए हैं लाइन से और वहां सीधे उनका कतल करके मांस को डिब्बों में भर के वापस बेच दिया जाता है। हर दिन ये होता। एक बार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में मेरे बहुत अच्छे दोस्त कमांडिंग ऑफिसर हुए, उन्होंने मुझे ये दिखाने के लिए बुलाया कि तुम आओ और देखो गाय का कत्ल कैसे होता है। तो बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर मुझे वो 8-10 दिन घुमाने के लिए ले गए। सवेरे से शाम तक मैं देखता था हर जगह जहां सीमा खुली हुई है हजारों हजारों भारत की गाय कसाई लोग हाँक हाँक के लेके जाते हैं। बांग्लादेश की सीमा में जैसे ही वो गाय प्रवेश करती है तो तुरंत वहां कतलखाने बने हुए हैं और खट 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 काट काट के उसका मांस
डिब्बों में पैक करके वहां से बेच दिया जाए। हर दिन ये होता इस देश में, जहां भगवान राम का जन्म हुआ हो, जिस देश में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया हो और भगवान कृष्ण ने गोपालन को एक आदर्श के रूप में स्थापित किया हो और इस देश में ग्वालियर को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया हो, महावीर स्वामी की जो जन्मस्थली है भारत, जिन्होंने अहिंसा का संदेश सारी दुनिया में दिया हो, महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली हो भारत, जिन्होंने अहिंसा की बात सारी दुनिया में बताई हो, उस देश में करोड़ों गायों का कटना बहुत तकलीफ की बात है और सीधे अधर्म के साथ जुड़ा। इस गाय के कत्ल होने से आप बोलेंगे जी फायदा किसको है? इस गाय के कत्ल होने का सबसे बड़ा फायदा कसाइयों को मिलता है। आप जानते हैं कसाई एक गाय छत्तीसगढ़ से 200 रुपए में खरीदता है, 300 रुपए में खरीदता है, 200-300 रुपए में खरीदी हुई गाय को जब काट कर वो मांस के रूप में बेचता है तो उसको 10-12 हजार रुपए की इनकम आराम से हो जाती है। तो 200-500 रुपए में गाय मिल जाए और 10-12 हजार रुपए की कमाई हो जाए तो कसाईयों के लिए सबसे बड़ा धंधा है और कसाईयों के संरक्षण के लिए भारत की सरकार काम कर रही है। ये दुर्भाग्य और तकलीफ की स्थिति इस देश में है कि भारत की सरकार कसाईयों के संरक्षण के लिए काम कर रही है और सरकार ये कहती है कि ये कसाई गाय काटते हैं, इसका मांस जब विदेशों में एक्सपोर्ट होता है तो भारत सरकार कहती है हमको उसमें से टैक्स मिलता है, आमदनी होती है, डॉलर्स में आमदनी होती है। तो सरकार और कसाई दोनों एक साथ मिलकर इस देश में गाय को कट रहे हैं, कटवा रहे हैं और इस देश में सरकार किसी भी पार्टी की आए, आजादी के 60 साल में आपने देखा है सभी पार्टियों की सरकार इस देश में आ चुकी है, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसको शासन करने का मौका इस देश में नहीं मिला, किसी ने भी गाय का कत्ल रोकने के लिए कुछ नहीं किया। संसद में कुछ ऐसे सांसद आए जिन्होंने समय समय पर गाय का कत्ल रोकने के लिए कानून बनाने की कोशिश की लेकिन किसी भी कानून को फलश्रुति तक पहुंचने नहीं दिया गया। एक बार हमारे देश में एक बड़े सांसद हुआ करते थे महावीर त्यागी, जो अपक्ष माने बिना किसी पक्ष के चुनकर आते, निर्विरोध चुनकर आते, सोनीपत से वो सांसद हुआ करते। संसद में उन्होंने पूरी ताकत और मेहनत लगा के गाय रक्षा का कानून बनना चाहिए इसके लिए विधेयक लाया और उनके विधेयक पर बार बार बहस हुई, बहस के अंतिम दिनों में वोट पड़ा। ज्यादातर सांसद इस पक्ष में थे कि गाय का कत्ल बंद हो जाना चाहिए लेकिन हर बार उस विधेयक को रोक दिया गया और वो रोक कोई साधारण स्तर पर नहीं हुई, भारत के प्रधानमंत्री के स्तर पर। एक बार भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में कहा कि अगर ये गोरक्षा का कानून बना तो मैं कल इस्तीफा दे दूंगा, मैंने ये कानून नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि गाय का मांस बेचकर जो कमाई हमें होती है वो कमाई बंद नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के शिष्य थे और महात्मा गांधी खुद कहा करते थे कि अगर कोई कसाई गाय को काटता है तो पहले मुझे काट दे, गाय बाद में कटे। ये महात्मा गांधी की तीव्रता थी गाय को बचाने की। लेकिन दुर्भाग्य महात्मा गांधी का ये था कि वो तो गाय की रक्षा चाहते थे, उनके जो चेले गांधी जी का नाम लेकर सरकार में आए उन्होंने गाय की रक्षा करने के लिए कभी कुछ नहीं किया। एक बार गांधी जी के बहुत नजदीकतम अनन्य व्यक्तियों में से एक जिनको गांधी जी प्रथम सत्याग्रही कहते थे आचार्य विनोबा भावे, उन्होंने अपने जीवन को गांव पर लगाकर मुंबई के कतलखाने को बंद कराने का, देवनार कतलखाने को बंद कराने का काम किया था जहां 10,000 गाय रोज कटती है और श्रीमती इंदिरा गांधी के सामने आमरण उपोषण किया था। लेकिन आप जानते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनकी बात को नहीं सुना और विनोबा जी को यह दुनिया छोड़कर जाना पड़ा। चक्र क्या है, सरकारें क्यों नहीं मानती है गोरक्षा की बात, इस प्रश्न पर मैं पिछले 10-12 वर्षों से अभ्यास करता हूं कि हमारे देश की सरकारों को क्या तकलीफ है कि गाय का कत्ल अगर बंद हो जाएगा तो सरकार को कितना बड़ा, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो पता चला कि सरकार को नुकसान तो कुछ बड़ा नहीं होने वाला क्योंकि गाय की रक्षा अगर होने लगे तो इससे ज्यादा फायदा हो जाएगा
नेताओं को व्यक्तिगत रूप से बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये बात सही है, क्योंकि इस देश में जितने बड़े कत्लखाने चल रहे हैं वो सब भारत के नेताओं के पैसे से चल रहे हैं। आप अगर चाहें तो आंध्र प्रदेश के कत्लखानों को देखकर आए, आंध्र प्रदेश में जितने भी कत्लखाने चल रहे हैं वो आंध्र प्रदेश के सारे बड़े नेताओं के पैसे से चल रहे हैं। कर्नाटक में जो कत्लखाने चल रहे हैं, बंगाल में जो कत्लखाने चल रहे हैं, आसाम में जो कत्लखाने चल रहे हैं, वो सब नेताओं के पैसे से चल रहे हैं। मतलब गाय का कत्ल होकर जो आमदनी हो रही है वो भारत के नेताओं की जेब में जा रही है, और ये नेता संसद और विधानसभाओं में हावी है, इसलिए गोरक्षा का कानून बनने नहीं देते। यही अंग्रेजों के समय में होता है। अंग्रेजों ने इस देश में गाय का कत्ल करना शुरू कराया 1760 में। 1760 में अंग्रेजों की सरकार बन गई थी इस देश में। बंगाल में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी और उनकी हुकूमत आ गई थी। तो उस ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला अधिकारी जो भारत में था, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, उसने 1760 में गाय का कत्ल करने का कानून बनाया इस देश में। और सबसे पहला कत्लखाना इस देश में 1760 में खुला कलकत्ता में, जो आज भी चालू है। उस समय उस कत्लखाने में मुश्किल से 3 से 4 हजार गाय रोज कटती थी, आज उस कत्लखाने में 15 हजार गाय रोज कटती है। वो कत्लखाना 1760 का है, 2007 में भी चल रहा है। इस कत्लखाने को खुलवाने वाला जो अंग्रेज था रॉबर्ट क्लाइव, उसको उसके पिताजी ने एक बार पूछा कि तुमने ये भारत में क्या काम शुरू करा दिया, गाय का कत्ल करना। तो उसने कहा इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि हम अंग्रेजों को खाने के लिए गाय का मांस मफत में मिल जाता है, इसलिए ये कत्ल खाने हमने शुरू कराए। दूसरा फायदा यह है कि भारत का किसान और भारत देश का पूरा समाज गाय केंद्रित है। ये भारत का पूरा किसान वर्ग और भारत का समाज गाय को अपनी माता मानता है। मां जो है वो सभी व्यवस्था के केंद्र में होती है, तो गाय को माता मानने वाला समाज इस पूरी गाय के आसपास ही घूमता है। तो अगर हम इस केंद्र को ही खत्म कर देंगे तो भारत के समाज को खत्म करना आसान हो जाएगा, और भारत के समाज को खत्म करेंगे तभी भारत हमारा गुलाम बनेगा। इसलिए एक तरफ हमको गाय का मांस खाने को मुफ्त में मिलता है, दूसरा भारत की व्यवस्था पूरी की पूरी गाय के चारों तरफ घूमती है, इसलिए गाय को मारना बहुत जरूरी है। ये उसने उत्तर दिया अपने बाप को। थोड़े दिन के बाद रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड जाना पड़ा और लंदन की संसद में उसका एक वक्तव्य हुआ। उस वक्तव्य में उसने कहा कि भारत को अगर आर्थिक रूप से समाप्त करना है तो गाय को खत्म करना बहुत जरूरी है। तो लंदन की संसद में उसने 3.5 घंटे का भाषण दिया हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो अंग्रेजों का एक सांसद हुआ करता था, उसका नाम था गैलियन गलिवर राइस। उसने उसको पूछा कि तुम ऐसा क्यों मानते हो। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि देखिए, भारत की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि है, खेती है, वो आज भी है, आज से 400 साल पहले भी थी। आप जानते हैं कि भारत का जो कुल GDP है 400 साल पहले 80% उसका खेती में से ही आता था। अब आजादी के 60 साल के बाद भी हमारे GDP का लगभग 60% खेती में से ही आता है। तो वो कहता था कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था खेती पर चलती है। खेती है जिसमें से 14,000 वस्तुएं भारत में पैदा होती है, 14,000 चना है, दाल है, मटर है, गेहूं है, चावल है, कपास है, ऐसी 14,000 वस्तुएं भारत की खेत में पैदा होती है। इन वस्तुओं को पैदा करने की ताकत गाय के गोबर में है, गाय के मूत्र में है। तो भारत के किसान गाय का गोबर, गाय का मूत्र उपयोग करते हैं, ये वस्तुएं उत्पादन होती है, इन्हीं वस्तुओं से उद्योग चलते हैं। आप जानते हैं अगर कपास पैदा होगी तो कपड़ा बनाने की फैक्ट्री चलेगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलेगी, जो कपास ही ना हो तो कपड़ा किससे बनेगा। तो अंग्रेज कह रहा है रॉबर्ट क्लाइव कि भारत में जितने भी उद्योग चलते हैं वो सब खेती पर आधारित है, और इन उद्योगों को खेती पर आधारित होने के लिए खेती गाय पर आधारित है। तो अगर गाय को खत्म कर दो तो खेती खत्म हो जाएगी, खेती खत्म हो जाए तो भारत के उद्योग भी खत्म हो जाएंगे, भारत के उद्योग खत्म हो गए तो भारत के लोग गरीबी और बेरोजगारी में फंस जाएंगे, और ये लोग अगर गरीब और बेरोजगार हो गए तो इन सब भारतवासियों को हम कभी भी ईसाई बनाएंगे और ये बहुत खुशी के साथ ईसाई बन जाएंगे, तो भारत का धर्म और संस्कृति हमेशा के लिए मिट जाएगा और ये भारत हजारों साल तक हमारा गुलाम हो जाएगा।
ये भाषण रॉबर्ट क्लाइव ने दिया हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन। तो अंग्रेजों की सरकार ने रॉबर्ट क्लाइव को शाबाशी दिया, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, गाय को कत्ल करना शुरू करवा दिया। तो अंग्रेजों ने गाय का कत्ल शुरू कराया तो इसके पीछे उनकी बहुत षड्यंत्रकारी दृष्टि थी कि भारत की कृषि व्यवस्था को खत्म करना, भारत के उद्योग और व्यापार को समाप्त करना, इसलिए गाय को कत्ल करा। गांधी जी ने जब इस देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया तो गांधी जी का यह संकल्प था कि जिस दिन भारत आजाद होगा, अंग्रेज भारत से छोड़कर जाएंगे, तो इस देश में गाय का कत्ल सबसे पहले बंद किया जाएगा और उसका कानून सबसे पहले बनाया जाएगा। दुर्भाग्य से गांधी जी चले गए, वो गाय का कत्ल करने वाला कानून आज तक नहीं गया, वो कानून आज भी चल रहा है। और कानून कैसा विचित्र है, कानून ऐसा है कि अगर आप गाय को डंडे से मारो तो आपको जेल हो जाए, जेल गाय को कत्ल कर दो तो कुछ नहीं होगा, आपको सुनकर हंसी नहीं आती, कैसा विचित्र कानून, गाय को डंडे से मारोगे तो जेल हो जाएगी। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत, एनिमल क्रुएल्टी एक्ट, गाय को डंडे से मारा तो जेल में जाना पड़ेगा, लेकिन उसको तलवार से काट दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कानून है कि गाय का खत्म कर। तो इसलिए कसाई क्या करते हैं, गाय को डंडे से नहीं पीटते, उसको सीधे ही काट देते। और आज तक किसी कसाई को इस देश में सजा नहीं होती, जेल नहीं। तो ये जो कानून अंग्रेजों के समय से चला आ रहा, आजादी के 60 साल के बाद में भारत की संसद ने इस कानून को नहीं बदला, तो मेरे जैसे कुछ लोगों ने इस कानून को बदलने का काम करने का प्रयास किया। और आज से लगभग 8 साल पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक मुकदमा किया, पहले हाई कोर्ट में एक मुकदमा हुआ, गुजरात के उच्च न्यायालय में एक मुकदमा किया गया, और वो मुकदमा गुजरात उच्च न्यायालय में चला। उस मुकदमे में कसाई लोग हार गए और हमारे जैसे लोग जीत गए, हम जीत गए, कसाई हार गए। गुजरात उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि गाय का संरक्षण होना चाहिए, संवर्धन होना चाहिए, कत्ल इसका बंद होना चाहिए। तो कसाईयों ने क्या किया, इस मुकदमे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, और सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे को लड़ने के लिए तीन संस्थाएं तैयार हुई। एक संस्था अखिल भारत कृषि गो सेवा संघ, इसका मुख्य कार्यालय सेवाग्राम बलधाम है, मैं इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ पिछले कई वर्षों से। तो अखिल भारत कृषि गो सेवा संघ एक संस्था, दूसरी संस्था तैयार हुई अहिंसा आर्मी ट्रस्ट, एक बहुत बड़े जैन संत है आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, आपने शायद उनका नाम सुना होगा, दिगंबर जैन संत है, उनकी बनाई हुई संस्था है अहिंसा आर्मी ट्रस्ट, और एक तीसरी संस्था गुजरात सरकार। तो अखिल भारत कृषि गो सेवा संघ, अहिंसा आर्मी ट्रस्ट और गुजरात सरकार, तीनों ने मिलकर भारत के सब कसाइयों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया। उस मुकदमे में कसाइयों की तरफ से यह था कहने का कि गाय का कत्ल करना हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, कोई इसे कैसे छीन सकता। और कसाइयों ने कहा कि यह हमारा मौलिक अधिकार इसलिए है कि हमारा जीवन इसी से चलता, और जीवन जीने का अधिकार अगर संविधान में है तो गाय का कत्ल करना हमारा मौलिक अधिकार, इसे कोई नहीं छीन सकता। इस आधार पर उनका मुकदमा था। हम लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट में यह बहस किया तो हमारे सुप्रीम कोर्ट को यह कहना था कि अगर गाय का कत्ल करना इन कसाइयों का मौलिक अधिकार है तो जेब काटना मेरा मौलिक अधिकार है, क्योंकि मेरे पास कोई रोजगार नहीं। हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा, क्यों ये कसाई कहते हैं कि अपना जीवन चलाने के लिए गाय का मांस बेचना इनका मौलिक अधिकार है, तो मैं कहता हूं कि जेब काटना मेरा मौलिक अधिकार है, क्योंकि मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, मैं बेरोजगार आदमी हूं और पढ़ा लिखा बेरोजगार, भारत सरकार ने मुझे इंजीनियरिंग पढ़ाया है और इंजीनियरिंग पढ़कर मैं निकला हूं, लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं है, और मेरे जैसे इस देश में लाखों नौजवान है जिनके पास कोई काम नहीं है, तो मैं कल को जेब काटना शुरू करूं और मैं कहूं कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसको स्वीकृति देगा। दूसरी बात, कल को मैं ये कहना शुरू कर दूं कि जी मेरे खाने पीने की व्यवस्था मुझे करनी है और रोजगार मेरे पास है नहीं, तो मैं किसी के घर में डकैती डालता हूं और वो मेरा मौलिक अधिकार है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसकी परमिशन देगा।
मैं किसी की जेल काटू, किसी के घर में डकैती डालू, किसी के घर की चोरी करूं, किसी को मारपीट के उसका धन छीन लूं, गरीबों को सताऊं और अमीरों को घर आके उनसे पैसे वसूलना शुरू करूं, गुंडागर्दी शुरू कर दूं और मैं कोर्ट को कहूं कि ये मेरा मौलिक अधिकार है क्योंकि मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, मुझे अपना भरण पोषण करना ही है। तो इस देश के जितने भी क्रिमिनल लॉज है सीआरपीसी के, वो सब बेकार हो जाएंगे क्योंकि हर एक क्रिमिनल यही कहेगा कि ये मेरा मौलिक अधिकार है। मैं जेब बकरे को पकड़ के लाऊंगा कोर्ट के सामने, वो खड़ा होकर रोने लगेगा साहब कि ये तो मेरा मौलिक अधिकार है। मैं किसी डकैत को पकड़ के लाऊं, किसी चोर को पकड़ के लाऊं, किसी गुंडे मवाली को पकड़ के लाऊं, सब यही कहेंगे कि ये तो हमारा मौलिक अधिकार है। तो फिर क्रिमिनल लॉज का क्या होगा, आईपीसी का क्या होगा, सीआरपीसी का क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट को सोचने के लिए एक मुद्दा मिला, उन्होंने कहा यस यू हैव सम वैलिड पॉइंट्स, तो उन्होंने कहा आप हमारा पिटीशन एडमिट करें। कोर्ट ने पिटीशन एडमिट किया, 7 वर्ष उस पर बहस चली, 7 साल, और 7 साल ये बहस ऐसे चली कि जो कसाई थे उनके पास हिंदुस्तान के सारे बड़े वकील, ऐसे ऐसे वकील जो एक दिन में 25 लाख रुपए फीस लेते, सोनी सुराम जी 25 लाख रुपए की फीस है एक मुकदमे, कपिल सिब्बल 20 लाख रुपए की फीस है, महेश जेठमलानी राम जेठमलानी का बेटा, बाप बेटे दोनों, बाप लेता है 25-27 लाख, बेटा लेना देता 10-15 लाख, और उसकी बहन है तीसरी वो भी, तो सारे बड़े वकील कसाइयों के साथ, और हमारी हालत ऐसी कि वकील ही नहीं हमारे पास क्योंकि फीस देने के लिए पैसा नहीं। तो अदालत को हमने कहा कि हमारे पास तो जी कोई वकील नहीं है तो क्या करेंगे? तो अदालत ने पूछा अच्छा हम आपको अदालत की तरफ से वकील दिलवा दें। हमने कहा बहुत अच्छा होगा आप अदालत का कोई वकील दे दो, नहीं तो आप हमको ही कोई का दे दो, हम ही बहस करेंगे अदालत। तो ठीक है आप बहस कर लो और आपको जरूरत पड़े तो हम एमिकस क्यूरी देंगे। एमिकस क्यूरी होता है अदालत के द्वारा दिया गया वकील, जो पैसे नहीं रख सकते उनको अदालत का वकील चाहिए। और हम लोगों ने ये केस लड़ना शुरू किया। थोड़े दिन के बाद कुछ वकील हमको मिल गए जिन्होंने कहा कि आप बिना पैसे दिए भी हमारी सेवा ले सकते हैं, मुझे भी मन में आया कि रक्षा करने की भावना थी। तो इस तरह से कुछ वकील भी आ गए और हम सबने मिलकर ये केस करीब 7 वर्ष तक लड़ा। उनकी जितने भी तर्क थे उनको हमने गलत साबित किया। पहला उनका तर्क ये था कि गाय को कत्ल करना हमारा धार्मिक अधिकार है, दूसरा तर्क था कि मौलिक अधिकार है, और तीसरा तर्क था जीविका का अधिकार। जब कसाईयों की तरफ से ये कहा जाता था कि ये हमारा धर्म का अधिकार है, तो हमने अदालत को कहा कि अगर ये इनका धर्म का अधिकार है तो इनकी किस धार्मिक पुस्तक में लिखा हुआ है कि गाय का कत्ल करो, वो हम देखना चाहते। कुरान में है, हदीस में है, शरीयत में है, कहां है? तो अदालत ने कहा यस देखो इनकी किस पुस्तक में। तो अदालत की तरफ से एक समिति बनाई गई, तो समिति ने कुरान को देखना शुरू किया, कुरान की समीक्षा करना शुरू किया, कुरान की एक एक आयतें पढ़ना शुरू किया। पता चला कुरान में कहीं भी नहीं लिखा है कि गाय का कत्ल करो। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, कुरान में कई जगह पर मोहम्मद साहब ने कहा है कि गाय सबसे उच्चतम दर्जे का प्राणी है, इसकी रक्षा करो, इसका संवर्धन करो। और दूसरी जगह मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि जो किसी ने गाय का मांस खाया तो दोजख में भी जमीन नहीं मिलेगी, दोजख माने नरक। तो मोहम्मद साहब खुद कह रहे हैं कि अगर गाय का मांस खाओगे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, गाय को काटो मत, इसकी रक्षा करो, संरक्षा करो। कुरान ये कहती है, हदीस में कहीं है नहीं, शरीयत में कहीं है नहीं। तो फिर हमने कसाईयों से पूछा कि कहां लिखा है, किस धर्म पुस्तक में है गाय का कत्ल करो? तो कहते हमारे उलेमा कहते, उलेमा माने उनके जो धार्मिक पुरुष होते, जैसे हमारे यहां पुजारी होते ना, पंडित होते हैं, वैसे उनके होने। तो मैंने कहा कौन से उलेमा कहते हैं, उनको ले आइए आप अदालत। तो कुछ उलेमाओं का समूह आया, कुछ ऐसे उलेमा थे जो अपने को देवबंदी कहते हैं, कुछ ऐसे थे जो बरेलवी हैं, कुछ शिया थे, कुछ सुन्नी थे। सबको पूछा गया आप कहते हैं कि गाय का कत्ल होना चाहिए, किस धर्म पुस्तक के आधार पर कहते? कहा धर्म पुस्तक में तो कहीं नहीं, तो फिर आप किस आधार पर कहते? तो हमसे बड़ा कोई कहता है उसको बुलाना। तो वो आ गया अदालत में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को किसी को भी बुला लेता। तो उनसे बड़े आ गए,
धार्मिक पुरुष, उनसे पूछा गया आप बोलते हैं गाय का कत्ल होना चाहिए, कहाँ लिखा हुआ? तो वो मक्का मदीना में कोई कहता चलो उनको बुलाना मक्का मदीना से। तो उन्होंने कहा मक्का मदीना जाना आना बहुत खर्चा लगेगा, अदालत में का खर्चा हमारा होगा, आप लेके आओ। मक्का मदीना से आ गए, उनको पूछिए आप बताइए जी क्यों कहते हैं गाय का कत्ल होना चाहिए? हमने कभी सुना था? कब सुना था? 200 बरस पहले, 300 बरस पहले? किसने कहा था? याद नहीं? आप जरा सोचो, बिना किसी आधार के, बिना किसी तर्क के पिछले 300-400 साल से ये बात चली आ रही है कि गाय का कत्ल करना मुसलमानों का धार्मिक अधिकार है, जबकि उनकी किसी धर्म पुस्तक में ये नहीं है। फिर हमने अदालत को कहा कि अगर आप हमको इजाजत दें तो हम इसके उल्टे कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहते हैं। अदालत ने कहा क्या आप तथ्य प्रस्तुत करना चाहते हैं? मैंने कहा हम इस हिंदुस्तान के उन मुस्लिम राजाओं के दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते हैं जिन्होंने गाय के कत्ल करने पर कानून बनाया, और कानून इतना सख्त था कि गाय को अगर कोई काट देगा तो उसको फांसी दे दी जाएगी। ऐसे कानून इस देश में बने। हमारे देश में एक मुस्लिम राजा हुआ, उसका नाम था हैदर अली। कर्नाटक राज्य में उसका शासन चलता था, 60 से 70 साल उसने शासन चलाया। उसके राज्य में कानून था कि अगर कोई कसाई गाय को काट देगा तो हैदर अली उसकी गर्दन काट दे, ये कानून। और हैदर अली ने अपने राज्य में ऐसे सैकड़ों कसाईयों की गर्दन काटी थी जिन्होंने गाय को काटा। बाद में हैदर अली का बेटा आया टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने जब राज्य चलाया तो इसने इस कानून को थोड़ा हल्का कर दिया। उसने कहा यह गर्दन काटना तो बड़ा काम है, हाथ काट दे। तो टीपू सुल्तान के समय में जो भी कोई कसाई गाय काटता था टीपू सुल्तान उसके दोनों हाथ काट देता। इसी देश में एक राजा हुआ जिसका नाम था अकबर। अकबर के समय में कानून था कि कोई गाय को काटेगा तो उसको फांसी दे दी जाए। अकबर के बाद के जितने राजा थे, औरंगजेब के समय तक ये कानून था कि गाय को कोई काटे तो उसको फांसी दे दो। ये सारे तथ्य हमने अदालत को पेश किए और मैंने अदालत से ये कहा कि देखिए हैदर अली पक्का मुसलमान था। पक्का मुसलमान समझते हैं कौन होता? जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता और रोजा रखता है, 30 दिन का, 1 महीने का रोजा रखता है, जो कभी ब्याज पर पैसे नहीं देता किसी को, जो कभी शराब नहीं पीता और पर स्त्री गमन नहीं करता, ये वो जिसमें है वो पक्का मुसलमान माना जाता। फिर आगे गुनहे के झूठ नहीं बोलता, वो पक्का मुसलमान। तो हैदर अली पक्का मुसलमान था, कभी शराब नहीं पिया, कभी पर स्त्री गमन नहीं किया, कभी ब्याज पर पैसे नहीं चढ़ाए, कभी भी अपने राज्य में ऐसा कोई दिन नहीं गया उसका जब उसने नमाज ना पढ़ी हो और रोजा ना रखा हो। मैंने कहा जब पक्का मुसलमान ये कानून बनाता है कि गाय का कत्ल करने वाले की गर्दन काट दी जाए तो ये कसाई लोग तो बहुत कच्चे मुसलमान है, ये तो अपने को बचाने के लिए गाय की गर्दन काट। तो अदालत तय करे कि हैदर अली पक्का मुसलमान था या ये कसाई पक्के मुसलमान। इनमें से तो कई कसाई ऐसे भी है कि जो कभी भी रोजा भी नहीं रखते, नमाज भी नहीं पढ़ते, क्योंकि धंधे के सामने उनका धर्म पीछे। और हैदर अली तो कभी छोड़ा नहीं कोई दिन। हैदर अली के अलावा अकबर की कहानी, शाहजहां की कहानी, औरंगजेब की कहानी, हुमायूं की कहानी, सबकी कहानी ये है। तब अदालत ने कहा कि ये बात तो सही है, धर्म में तो आधार नहीं हो सकता गाय काटने का। तो उनका पहला तर्क अदालत ने काट दिया कि आप ये नहीं कह सकते कि धर्म के आधार पर गाय काटनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो हमने कहा कि फिर जेब काटना भी हमारा मौलिक अधिकार है, शराब बेचना भी मौलिक अधिकार है, रंगबाजी करना हमारा मौलिक अधिकार है, कितनों को रोकेंगे आप? और अगर ये सब मौलिक अधिकार है, हर गलत काम मौलिक अधिकार है, तो सीआरपीसी का मतलब क्या है, आईपीसी का मतलब क्या है, फिर ये कानून व्यवस्था कैसे चलेगी? तो अदालत ने वो तर्क भी उनका काट। तीसरा तर्क उन्होंने कहा कि ये हमारी जीविका का अधिकार है। तो हमने कहा कि गाय का कत्ल बंद कर दो, जीविका दूसरी भी मिल जाएगी। तो उनका कैसे मिल जाएगी? हमने अदालत को समझाया और वो लोगों को भी समझा रहे हैं कि गाय का अगर रक्षण करें तो आपको जितनी कमाई होगी गाय का कत्ल करने से कभी नहीं हो सकती। एक गाय को आपने काट दिया, ज्यादा से ज्यादा 10-12 हजार रुपए आपको मिलेगा, पूरा का पूरा, उसका मांस बेचने के बाद, हड्डियां बेचने के बाद और खून बेचने के बाद। उसी गाय को आप जिंदा रखो तो उसका जो गोबर मिलेगा, उसका जो मूत्र मिलेगा,
और गाय के गोबर से जो खाद बनेगी, खाद की जो कीमत मिलेगी, गाय के मूत्र से जो दवा बनेगी, दवा की जो कीमत मिलेगी, वो एक साल में लगभग 2 लाख रुपए के बराबर है। तो अदालत ने कहा ये कैसे संभव है? तो हमने उनको समझाया कि गाय एक दिन में लगभग 10 किलो गोबर देती है, गाय को 1 किलो गोबर से 33 किलो खाद बनती है और 1 किलो खाद 6 रुपए में बिकती है। तो हर दिन की 200 रुपए की खाद है 1 किलो गोबर की, और 10 किलो गोबर देती है तो 2000 रुपए रोज की खाद है गाय के गोबर की। तो अदालत ने कहा कि ये तो कुछ हमें ऐसा लगता है कि एग्जैजरेशन है। हमने कहा आप ICAR के वैज्ञानिकों को बुला लो, उनको टेस्ट करवा। तो अदालत ने गाय का गोबर भेजा टेस्ट करने के लिए। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि इसमें 18 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, मॉलिब्डेनम है, ऐसे 18 माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो किसी भी रासायनिक खाद में नहीं होते। रासायनिक खाद में ज्यादा से ज्यादा 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश, NPK, और गाय के गोबर में 18 है। इसका माने गाय का गोबर रासायनिक खाद से 5 गुना ज्यादा ताकतवर है। और रासायनिक खाद 4-4.5 रुपए किलो है, तो गाय के खाद की कीमत अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे कैलकुलेट करें तो 20-22 रुपए किलो बैठती है। तो अदालत कन्विंस हुई। फिर हमने उनसे कहा कि ये जो मूत्र है गाय का, इसको रोज का अगर मूत्र इकट्ठा करें तो एक गाय का 4-5 लीटर मूत्र आता है, और इस गाय के मूत्र से आंख में डालने वाली दवा अगर हम बनाए तो 500 रुपए लीटर आराम से बिकती, और गाय के मूत्र का अर्थ निकाल कर बेचें तो वही आराम से 400-450 रुपए लीटर बिकता है। तो गोमूत्र 500 रुपए लीटर और गाय का दूध 8 रुपए लीटर। तो अदालत को समझ में आया कि दूध से कीमती मूत्र है, और हमने कहा कि दूध तो बोनस में है, असली तो मूत्र है, क्योंकि गाय दूध तो मुश्किल से अपनी जिंदगी के कुछ ही दिन देती है, आप जानते हैं, हमेशा दूध नहीं देती है, लेकिन मूत्र तो जीवन के आखिरी दिन तक देती है, गोबर तो जीवन के आखिरी दिन तक देती। तो एक गाय के मूत्र से कितनी मेडिसिन बन सकती है, गाय के गोबर से कितनी औषधि बन सकती है, वो सब कैलकुलेशन करके हमने बताया। और अदालत ने कहा कि इस गाय के गोबर से गैस बनती है, उस गैस से हम गाड़ियां चला सकते हैं, मोटर गाड़ियां चला सकते हैं, क्योंकि गाय के गोबर में मीथेन गैस है और मीथेन गैस से सबसे अच्छे तरीके से गाड़ियां चलती है। और अगर हम डीजल से गाड़ी चलाए तो 3.5-4 रुपए लीटर का खर्च आता है, गाय के गोबर से गाड़ी चलाए तो 50 पैसे किलोमीटर का खर्च आता है, और उस गैस से निकल जाने के बाद जो कचरा बचता है उससे खाद बन जाता है, वो 6 रुपए किलो बिकता है। तो आम के आम गुठली होगा। तो अदालत को ये बात समझ में नहीं आई, वो थोड़ा इधर उधर करते थे। तो हमारे एक वकील ने कहा कि आपको ऐसा करो, ये जो जज है ना, इनकी कार में ही वो लगा दो आप गाय की गैस, इनको जो भरोसा हो जाएगा तो ये मान ले। तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के गाड़ी में हम लोगों ने गोबर गैस की टंकी लगाई और उसमें गाय का गोबर से निकाला हुआ गैस भरवा के चलाना शुरू किया। 3 महीने में गाड़ी चलती रही, तब अदालत को भरोसा हो रहा कि गाय के गोबर की गैस से गाड़ी चल सकती। फिर हमने उनको कैलकुलेशन बताया कि अगर सारे देश की गाय का कत्ल बंद हो जाए तो इसका कुल गोबर हम इकट्ठा करें, उस गोबर से गैस बनाना शुरू करें, उस गैस को गाड़ियों में जलाना शुरू करें, तो डीजल और पेट्रोल का हर साल का करोड़ों रुपए का खर्चा बच जाए और इससे पर्यावरण का प्रदूषण भी मिट जाए। तो ये सब बातों को कन्विंस करने में 7 साल लगा अदालत को, 7 साल तक ये केस चलता रहा, 7 साल इसकी सुनवाई होती रही। 7वें साल के अंत में जाकर अदालत ने जब कसाईयों को पूछा कि अब आपके पास कहने के लिए क्या है, आप गाय काटते हैं तो 12,000 की कमाई होती है और ये गाय की रक्षा करते हैं तो 2 लाख रुपए साल की कमाई होती है, और ये गाय की उम्र 20 साल मान ली जाए तो 40 लाख रुपए की कमाई गाय देती है, तो आर्थिक रूप से तो इनकी बात ज्यादा मजबूत है गाय का संरक्षण करना, संवर्धन करना। तब कसाईयों ने ट्रंप कार्ड खेला, और वो ट्रंप कार्ड बताए क्या है, मुस्लिम वोट का। इन्होंने क्या किया कि हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों के पास संदेश भेजा कि अगर हम ये केस हार गए तो आपको वोट नहीं देंगे। तो उन्हीं पार्टियों को हमने संदेश भेज दिया कि अगर हम ये केस हार गए तो हिंदुस्तान में आपको रहने नहीं देंगे, आप तय करो।
तो इन पार्टियों के नेताओं ने पता हमसे पूछा आप कैसे नहीं रहने देंगे। मैंने कहा हमारे पास आपकी सब जानकारियां आ चुकी है, हम एक एक गांव में जाकर पोल खोलेंगे कि कौन हरामखोर नेता कत्ल खाने चला रहा है इस देश में, किस किस के पैसे से कत्ल खाने चल रहा है, किसके पैसे से गाय कट रही है और उसका पैसा किस पार्टी को जा रहा है। तो नेताओं ने कहा अच्छा हम इस बीच में नहीं पढ़ते। मैंने कहा आप ना पढ़ें तो ही अच्छा। और फिर अंत में चीफ जस्टिस खुद आरसी लाहोटी इस बेंच के चीफ थे, उन्होंने ये जजमेंट दिया। 25 अक्टूबर 2005 को ये जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस देश में एक इतिहास बना दिया। उन्होंने कहा कि गाय का कत्ल करना संवैधानिक पाप है, धार्मिक नहीं संवैधानिक पाप है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गाय का संरक्षण करना और संवर्धन करना इस देश के हर एक नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है। अब तक हमारे देश में संवैधानिक कर्तव्य क्या थे? तिरंगे झंडे का सम्मान करना, यह हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। भारत के क्रांतिकारियों का सम्मान करना, यह हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। भारत की मुद्रा रुपए का सम्मान करना, यह हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। ऐसे 51 हमारे कर्तव्य है, 51 हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। अब उसमें एक और बढ़ गया है, गाय का रक्षण करना, गाय का संवर्धन करना भी हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत की 35 राज्यों की सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो गाय का कत्ल अपने अपने राज्य में बंद कराए, और अगर किसी राज्य में गाय का कत्ल होता है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री की जवाबदारी है, राज्यपाल की जवाबदारी है, चीफ सेक्रेटरी की जवाबदारी है कि वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं। सरकारों के लिए ये संवैधानिक जवाबदारी है, नागरिकों के लिए संवैधानिक कर्तव्य है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। और वो फैसले के आने के बाद हमने भारत देश के अनेक राज्यों में प्रयास करना शुरू किया है कि जल्दी से जल्दी गोरक्षा के कानून बने। गोरक्षा के कानून दो स्तर पर बनते हैं, एक तो केंद्र सरकार बना सकती है चाहिए, और एक 35 राज्यों की राज्य सरकारें बना सकती है अपने अपने राज्य के लिए। केंद्र की सरकार कानून बनाए उसके लिए हमारा प्रयास चालू है, राज्य की सरकारें भी अपने अपने स्तर पर कानून बनाए मैं भी प्रयास चालू। तो 15 राज्यों की सरकारों ने कानून बनाने का और आने वाले समय में लागू करने का वायदा कर दिया है, लेकिन 20 राज्यों में अभी ये बाकी है। उसके लिए रात दिन हम प्रयास कर रहे हैं, आप भी इस प्रयास में थोड़ा बहुत योगदान कर सकते हैं। क्या योगदान कर सकते हैं? भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को आप एक 50 पैसे का पोस्टकार्ड लिख सकते हैं, और इतना सही पोस्टकार्ड लिखना है कि 25 अक्टूबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है गोरक्षा के समर्थन में, उसका जल्दी से जल्दी कानून बना दिया जाए। तो केंद्र सरकार अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके उसको केंद्र स्तर पर कानून बना सकती है, और केंद्र स्तर पर कानून बन जाए तो अलग अलग राज्यों में कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक ही कानून सब राज्यों में आ जाएगा। और जब तक केंद्र नहीं बनाता है तब तक राज्य सरकारों ने ये कानून बनाने की कोशिश है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने गोरक्षा का कानून बनाया, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उसको पूरी ताकत से लागू नहीं किया जा रहा। कानून तो बन गया है कि गाय नहीं कटनी चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ताकत लगा के उसको लागू नहीं करा रही है, इसलिए छत्तीसगढ़ की गाय आज भी कटती चली जा रही है। तो छत्तीसगढ़ सरकार पर लगातार दबाव बनाइए कि ये गाय को काटने का जो कानून आपने बनाया इसको पूरी ताकत से अमल में लाइए, और इसको अमल में लाने के लिए पुलिस के महकमे को पूरी ताकत से दुरुस्त करने की जरूरत है। क्योंकि आप जानते हैं कसाई और पुलिस मिले हुए हैं, कसाई पुलिस को पैसा खिलाते हैं, पुलिस गाड़ी की गाड़ी नीति छोड़ती चली जाती। तो इसके लिए आप सतत यहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल पर दबाव बना सकते हैं। तो मेरी दूसरी विनती है कि एक पत्र आप मुख्यमंत्री को लिखें छत्तीसगढ़ सरकार के, और एक पत्र भारत के प्रधानमंत्री को लिखे, दोनों का पता आपको मालूम है, बहुत सरल है। उस पर अगर आपका पत्र जाता है, ऐसे 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 पत्र अगर पहुंच जाते हैं तो सरकारों के सामने एक संकट खड़ा होता है। वो कैलकुलेशन ये करते हैं कि ये एक पत्र आया इसका मैंने कोई एक परिवार के व्यक्ति ने लिखा, इसका मैंने परिवार की इसमें सहमति है, तो एक पत्र आना माने 5 वोट उनके कम हो जाएंगे,
इस हिसाब से नेता सोचते हैं। 10,000 पत्र अगर मुख्यमंत्री के पास गए तो 50,000 वोट कम हो जाएंगे, 20,000 पत्र गए तो 1,00,000 वोट कम हो सकते हैं, 40,000 पत्र गए तो 2,00,000 वोट कम हो सकते हैं। तो मुख्यमंत्री सोचते हैं कि इतने वोट कम हुए तो बहुत सारी सीट हाथ से निकल जाएगी, तब उस दबाव में आकर वो इसको काम करेंगे। और यही हालत प्रधानमंत्री की है। तो हम बोलेंगे क्या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे पत्र को पढ़ेंगे? बराबर पत्र पढ़ा जाता, 50 पैसे का आप पोस्ट कार्ड भी लिखेंगे तो सरकार के पास हो जाता है, उसको बाकायदा पढ़ा जाता है और पढ़ने के बाद उस पर क्या कार्यवाही हुई सर्वेक्षण, ये बात मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को बताता है। आप जानते हैं हर हफ्ते में कैबिनेट की मीटिंग होती है, हर हफ्ते, वो राज्य का हो या केंद्र का, उस कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री का सेक्रेटरी हो या प्राइम मिनिस्टर का, वो मीटिंग में बताता है कि आज इतने 1,000 पत्र आए या पिछले हफ्ते इतने 1,000 पत्र आए, उनका ये विषय था, हमने उस पर ये कार्यवाही की। तो आप ये मत मानिए कि आपके एक पत्र का कोई ताकत नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है, इतनी ताकत है कि सरकार आपकी बात सुनने को मजबूर है। लेकिन महत्व की बात यह है कि इतने पत्र जाने चाहिए, 1-2 पत्र नहीं, 10-20,000 50,000 पत्र चलेगा। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? आप अपने परिवार के 5 लोगों को कहें, पड़ोसी के परिवार को कहें, अपने गांव को कहें, पड़ोसी गांव को कहें, रिश्तेदारों को कहें, नातेदारों को कहें, मित्रों को कहें, परिचितों को कहें, जो भी मानते हैं कि गाय की रक्षा होना चाहिए वो सबको कहें, ये बेहतर होता है। और एक दूसरा तरीका है गाय की रक्षा हुई इस देश में, वो संवर्धन हो, वो ये है कि गांव के किसानों को हम ये बात समझाना शुरू करें कि भाई गाय बेचना बंद करो, जिस गाय को तुम कसाई को 200-300 रुपए में बेच रहे हो वो गाय उनको 40,00,000 रुपए देने वाली है। ये बात अगर किसानों को समझ में आ जाए तो फिर कोई किसान अपनी गाय को नहीं बेचेगा। तो वो कहेगा कैसे? तो आप उसको समझा दो कि इस गाय का मूत्र इकट्ठा करना शुरू करो, उस गाय के मूत्र से 48 किस्म की दवाई बनती है, वो दवाएं बनाना शुरू करो। तो किसान कहेगा कि दवा बनाना मुझे नहीं आता, तो मेरे जैसे लोग उसको ट्रेनिंग देने को तैयार। इस देश में ऐसे मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता हैं जो गांव गांव में जाकर किसानों को सिखाते हैं, मुफ्त में सिखाते हैं, बिना किसी शुल्क के सिखाते हैं कि गाय के मूत्र से दवा कैसे बनाना, और वो 48 दवाएं बनाना सीख सकते हैं। फिर उन दवाओं को बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, वो लाइसेंस गो सेवा आयोग देता है और आयुर्वेद विभाग देता है, 350 रुपए में वो लाइसेंस मिल जाता है, आसानी से वो दवाएं आप बाजार में बेच सकते हैं। तो ये कोई बड़ा मुश्किल का काम नहीं, सिखाने वाले भी हैं, सीखने वाले भी हैं, बस सीखने और सिखाने वाले के बीच का ब्रिज आप बन जाइए, उनके बीच में कोई संपर्क करा दीजिए तो बहुत बड़ा काम हो जाए। और गांव के किसानों को आप ये समझाइए कि ये गाय का मूत्र तुम्हारे अपने जीवन में उपयोग करो तो तुम्हारी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाए। तो ये पूछेगा आप कैसे ठीक हो जाए, तो आप उसको समझा दीजिए। बहुत सरल बात है जो मैं आपको समझाता हूं, वो ये कि गाय के मूत्र में वो सब दवाएं हैं जो शरीर की प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाती है। आप बीमार कब पड़ते हैं? जब शरीर की प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है। बीमार होने का एक ही सिद्धांत है कि जब शरीर की प्रतिकारक शक्ति कम होगी आप बीमार पड़ेंगे। प्रतिकारक शक्ति कम होने के 2 कारण हो सकते हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक। अंदर से शरीर में कोई कारण हो सकता है और बाहर का भी कोई कारण हो सकता है। बाहर का कारण क्या है? वायरल इंफेक्शन, बैक्टीरियल इंफेक्शन, ये बाहर का कारण है। अंदर का कारण कुछ भी हो सकता है। ये दोनों बाहरी और आंतरिक कारणों को दूर करने की ताकत गाय के मूत्र में है, और उस गाय के मूत्र को पीते ही प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है और गंभीर से गंभीर रोग ठीक हो जाते हैं। मैं पिछले 6-7 साल से गोमूत्र चिकित्सा करता हूं, गांधी के आश्रम में सेवाग्राम में रहते हुए मैंने ये सीखा, और गोमूत्र चिकित्सा से पिछले 5-6 वर्षों में हजारों लोगों को ठीक किया है, बिना 1 पैसा खर्च किए हुए गंभीर बीमारियों में। क्या क्या बीमारियों में? सबसे गंभीर एक बीमारी है दमा, अस्थमा। आप जानते हैं एलोपैथी का कोई भी डॉक्टर दमा ठीक करने की गारंटी नहीं लेता। हर एक एलोपैथी डॉक्टर बोलता है कि दमा ठीक होता है, लेकिन मरीज के मर जाने के बाद सभी डॉक्टर बोलते हैं
दमा वो बीमारी है जो दम निकलने के बाद ही जाती है, अर्थात एलोपैथी में दमा का इलाज नहीं। एलोपैथी के डॉक्टर आपको जितनी भी गोलियां और दवा खिलाएंगे वो सब दमा को दबाने वाली है, कंट्रोल करके दमा को रखेंगे, ठीक नहीं कर सकते। उस दमा अस्थमा का एक बड़ा भाई है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में आप जानते हैं, रोज टीवी में जाहिरात आता था, दौड़ की गोली खाओ, इसकी गोली खाओ, लेकिन लोग फिर भी हर साल इस देश में मर जाते हैं लाखों की संख्या में ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि कई बार वो उनको ठीक इलाज नहीं कर पाती है दवा। ये दमा अस्थमा और ट्यूबरकुलोसिस, इन तीनों पर मेरा 6 साल का तजुर्बा है, अनुभव है और एक्सपेरिमेंट है कि गाय के मूत्र से ये तीनों बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती, जड़ से खत्म हो जाती, हमेशा के लिए ये बीमारी चली जाती। गाय के मूत्र की इतनी शक्ति। तो आप बोलिए मैं क्या करना पड़ता है, तरीका उसका बहुत सरल है। जिसको भी दमा है, अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, उसको आधा कप गाय का मूत्र पीने को बोलिए, रोज सुबह आधा कप गाय का मूत्र पीना, बस इतना ही करना। कितने दिन पीना, 3 महीने पीना, 90 दिन। 90 दिन अगर आधा कप गोमूत्र उसने पिया तो 91वें दिन आप देखना दमा अस्थमा ट्यूबरकुलोसिस पीना ठीक रहेगा। और उसके बाद में गोमूत्र पीना बंद कर दे, जिंदगी में दोबारा उसको कभी भी दमा अस्थमा ट्यूबरकुलोसिस नहीं। इतनी अच्छी चिकित्सा है गाय के मूत्र से। ऐसे ही एक बीमारी है, बहुत बहुत खराब बीमारी है, मूर्व्या बवासीर वगैरह, पाइल्स, हेमरेज। ये बीमारी में गाय का मूत्र पिलाना शुरू करो, इसी तरह से आधा कप ढाई से पौने 3 महीने में ये बीमारी ठीक कर दे। किसी को चर्म रोग हुआ है, सोराइसिस, इचियोसिस, एक्जिमा, ये तीनों बीमारियां गाय के मूत्र की मालिश करने से ही ठीक हो जाती। अगर किसी को कब्जियत है, कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं होता, 15 दिन उसको गोमूत्र पिला दो, उसके बाद हमेशा के लिए ये बीमारी मिट जाए। कोई ऐसे लोग भी जिनको सालों साल से सर्दी खांसी जुकाम है, हर 2 दिन में सर्दी हो जाती है, हर 4 दिन में खांसी हो जाती है, हर महीने में 2-3 बार हो जाती है, जैसे ही मौसम बदलता है सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, उनको आप 15-20 दिन गोमूत्र पिला दो, उसके बाद ये बीमारी कभी नहीं आती। एक बहुत खराब बीमारी है छोटे बच्चों में होती है, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, पेट के कीड़े पड़ जाते हैं, कृमि हो जाते हैं। बच्चों को 1-1 चम्मच गोमूत्र 8-10 दिन सवेरे खाली पेट पिला दो, उसके बाद जिंदगी में कभी पेट के कीड़े नहीं पड़ेगा। महिलाओं को सिर में खाज हो जाती है, खुजली हो जाती है, पुरुषों को भी हो जाती है, बालों में डैंड्रफ हो जाता है, रूसी हो जाती है। गाय के मूत्र को पानी में घोल कर अगर उससे मालिश कर लो तो बालों के डैंड्रफ और रूसी खत्म हो जाती है, बाल टूटने बंद हो जाते। अगर किसी को भी शरीर के किसी अंग में भयंकर घाव हो गया है, घाव एप्सिस, और वो भरता नहीं, खासकर डायबिटीज के मरीजों को घाव हो जाता है तो कभी नहीं भरता है, तो गाय का मूत्र वहां पर लगाना शुरू कर दो, और ये जो गेंदे का फूल होता है ना, गेंदा मैरीगोल्ड, गेंदे के फूल की चटनी गोमूत्र में बनाकर उसका लेपन करना शुरू कर दो, तो भयंकर से भयंकर घाव भर जाता है। एक बहुत खराब बीमारी है दुनिया में जो कोई मिटा नहीं पाता उस बीमारी को, उसका नाम है गैंग्रीन। अक्सर ये डायबिटीज के लोगों को हो जाती है। गैंग्रीन में क्या है, सड़ जाता है शरीर का कोई अंग, तो एलोपैथी का डॉक्टर बोलता है कि अब तो इसको काट दो और कोई इलाज नहीं। मेरे पास 2 साल पहले एक मरीज आया था मुंबई से, उसके हाथ में गैंग्रीन था, यहाँ उंगलियों से शुरू हुआ यहाँ तक पहुंच गया था, तो डॉक्टर बोलते थे ये हाथ काटना पड़े। वो आदमी इतना दुखी था कि हाथ काटे तो फिर क्या काम, और दाहिने हाथ में था, तो इतना गया मेरे पास, कहने लगा राजीव भाई मेरा कुछ करो, मैंने कहा तो मैं दाई ले लो करो, तो उसने ले लिया, मरता क्या मैं करता, लगी वो कहावत दाई ले ली। फिर मैंने कहा इसका मूत्र इकट्ठा करो सब ने, तो चालू किया, और मैंने कहा गेंदे की फूल लाओ, चटनी बनाओ मूत्र में और उसको लगाओ, उसने चालू किया, 9 महीने के बाद पूरा हाथ भर गया, एकदम ठीक हो गया। फिर डॉक्टर के पास उसको भेजा कि देखो इसका हाथ ठीक हो गया, आप तो काटने वाले थे, तो डॉक्टर कहता दिस इज मिरेकल, ये चमत्कार। तो मैंने कहा यस दिस इज मिरेकल,
चमत्कार है, लेकिन गाय के मूत्र का राजीव दीक्षित का नहीं, गाय के मूत्र का चमत्कार जो गैंग्रीन मिटा सकता। गैंग्रीन आप जानते हैं सेल्स डैमेज हो जाते हैं, रीजनरेट नहीं होते, नए कोशिकाएं नहीं बनती है, लेकिन गोबर के और गेंदे के फूल की चटनी से नई कोशिकाएं बन जाती। धीरे धीरे 6 साल मुझे हो गए हैं, मैं गोमूत्र की चिकित्सा कर रहा हूं, 108 रोगों में गोमूत्र चिकित्सा के अद्भुत परिणाम आए। और मेरे मन में इतना कन्विक्शन है कि अगर जो बात मैं आपको बता रहा हूं ये बात अगर गांव गांव तक पहुंच जाए तो कल से ही किसान गोमूत्र का उपयोग शुरू कर देंगे और गाय बेचना बंद हो जाए। बस इतने ही बोले हैं कि गांव तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप छत्तीसगढ़ के 16 जिलों से आए हैं, किसी न किसी गांव से आप आए हैं, आप अपने अपने गांव में ये बात बोलना शुरू करते हैं तो बहुत बड़े परिणाम इसके आएंगे। गांव के लोग गोमूत्र की चिकित्सा शुरू कर देंगे, जब परिणाम उनको दिखाई देंगे तो गोमूत्र का महत्व तो समझ में आएगा, महत्व तो समझ में आएगा तो वो समझेंगे कि गाय बेचनी नहीं चाहिए क्योंकि मूत्र की उत्पत्ति। अगर किसी को आंख में कोई रोग हो गया हो, जैसे मोतियाबिंद एक रोग है, कैटरेक्ट, दूसरा है काला पानी, आंखों में काला काला हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक बहुत खराब आंखों का रोग है रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिना अपने स्थान से हट जाता है। ये तीनों रोगों में एक एक बूंद गाय का मूत्र रोज रात को आंख में डाला जाए तो 2.5 से 3 महीने में ये तीनों रोग मिट जाते। रेटिनल डिटैचमेंट जिसके बारे में दुनिया भर के डॉक्टर कहते हैं कि इट इज हाईली इम्पॉसिबल टू बी क्योर, ये ठीक हो जाए ये बिल्कुल असंभव होता है, वो गाय के मूत्र से ठीक हो जाता। ऐसे 108 रोग हैं जिनकी चिकित्साएं आप गोमूत्र से कर सकते हैं। तो मैं आपको ये निवेदन करने आया कि आप ये गाय मूत्र चिकित्सा के बारे में अपने अपने गांव में प्रचार करना शुरू कर दीजिए। पहले भारत में सैकड़ों साल ये चिकित्सा होती थी, बीच में जब से अंग्रेजों ने गाय का कत्ल करवाना शुरू किया, गाय इच्छा कम हो गई, उस चक्कर में ये बंद हो गया, अब फिर से हमें ये शुरू करने की जरूरत है। और दूसरी एक छोटी सी बात बताता हूं कि अपना रसोई घर जहां हम भोजन पकाते हैं उसमें जो औषधियां हैं आयुर्वेद की, उनका अगर गोमूत्र के साथ इस्तेमाल करें तो अद्भुत परिणाम आते हैं। और भैया जो रसोई घर में क्या औषधि है, हम अगर रसोई घर को ध्यान दें तो उसमें 40 से 45 ऐसी औषधियां हैं जो गोमूत्र के साथ बहुत चमत्कारी परिणाम देती है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे रसोई घर में एक बहुत अच्छी औषधि है, उसका नाम है मेथी दाना, पीले पीले रंग का छोटा छोटा होता है। यह मेथी दाने को रात में पानी में डालिए और रात भर इसको रख दीजिए, सवेरे उठकर इसका पानी पीना, पीछे से मेथी दाना चबा के खाना और 1 घंटे के बाद आधा कप गोमूत्र पी लेना। ये काम अगर कोई भी करे तो 3 महीने में जिंदगी भर के लिए डायबिटीज ठीक हो जाती है। डायबिटीज जो आसानी से ठीक नहीं होती, वो डायबिटीज इस मेथी दाने से और गाय मूत्र से हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। क्या करना, किसी भी डायबिटीज के पेशेंट को आप बोलो 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में रात को भिगाए, सुबह उठकर इस पानी को घूट घूट पिए, मेथी दाने को चबा के खाए और उसके 1 घंटे के बाद गोमूत्र पिए आधा कप, ये 3 महीने सतत करना, उसके बाद वो ब्लड चेक कराए तो उसको शुगर एकदम नॉर्मल होगी। अद्भुत औषधि। किसी को ये संधिवात है, घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, कंधा दुखता है, उसको बोलिए कि 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में डाले, सुबह उठकर पानी पिए, दाने को चबा के खाए, 1 घंटे बाद आधा कप गोमूत्र पी ले, तो 2 महीने में ये पूरा संधिवात निकल जाता है। जॉइंट्स पेन, हिप जॉइंट्स पेन हो चाहे नी जॉइंट्स पेन हो चाहे शोल्डर जॉइंट्स पेन। हमारे परिवारों में हमारी माताओं को एक बहुत गंभीर रोग होता है जिसका नाम है यूट्रस डिस्प्लेसमेंट, गर्भाशय का अपने स्थान से खिसक जाना। यह असर उन माताओं को होता है जिनको जबरदस्ती सीजेरियन ऑपरेशन किया जाता है। आजकल हमारे देश के जो डॉक्टर है ना वो कसाई है और यमराज के भाई। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, चले गए पिछले 6-7 साल मैंने डॉक्टरों को नजदीक से देखा है, कभी भी नॉर्मल डिलीवरी होनी नहीं देती, जो मां को हो सकती है उसको भी
कि ऑपरेशन करने के लिए मजबूर हो जाए। ऑपरेशन में उनका स्वार्थ क्या है, डॉक्टरों को पैसे मिलते हैं। अगर आपने नॉर्मल डिलीवरी कराई तो 500,000 रुपए मिलेगा और सीजेरियन ऑपरेशन करवा दिया तो 20,000 रुपए डॉक्टर का सीधा बनता। तो वो करते ही है डिसीजन कि आपको तो सीजेरियन करना ही पड़ेगा। घर वालों को डराते हैं, महिला को डराते हैं, घर वाले महिलाएं दोनों डर जाते हैं, फिर ऑपरेशन कराते हैं, डॉक्टर की चांदी हो जाती है। चांदी क्या होती है तो 20,000 मिल गया। फिर उसी माता को यह बीमारी आती है यूट्रस डिस्प्लेसमेंट, तो उस बीमारी में अंत में डॉक्टर कहता है गर्भाशय काट के निकालते हो, इसकी जरूरत क्या। इस मूर्ख डॉक्टर को पूछने की बात है कि अगर इसकी जरूरत नहीं तो भगवान ने बनाया क्यों। और जो माँ अपने गर्भाशय काट के निकलना देती है उसकी जिंदगी कभी सुखी नहीं रहती। जिंदगी में पीठ का दर्द रहता है, पेट का दर्द रहता है, कमर का दर्द रहता है, पीछे जांघों में दर्द रहता है, नींद ठीक से नहीं आती, खाना ठीक से नहीं खा पाती, हमेशा चिड़चिड़ लगी रहती है, जिंदगी में रख हो जाती है। इसलिए कभी भी किसी माता को घर में ऐसी समस्या आ जाए तो आप उसको ऑपरेशन मत कराइए, उसकी नॉर्मल डिलीवरी कराइए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ, तरीका क्या है। ये गाय उसमें सबसे बड़ी मददगार है। जिस माँ को गर्भावस्था प्रारंभ हुई हो उसको आप बोलिए कि रोज गाय का 1 गिलास दूध और उसमें मिलाया हुआ गाय का घी पीने का है रात को। गाय का दूध 1 गिलास और 2 चम्मच गाय का घी रोज रात को पीना, उसी गाय के दूध को दही बनाना और सुबह उस दही में थोड़ा चूने का पानी मिला के खाना। चूने का पानी हम सब समझते, तंबाकू में लगाते जो चूना खाते हैं उसका पानी, तो चूने का पानी दही में मिला के सुबह खाना, पीछे से भी उनके लिए खाना, रात को गाय के दूध में घी मिला के रोज पीना। ये अगर माँ को 8 महीने अगर दे दिया, 7 महीने भी दे दिया तो मेरी गारंटी है कि उसको सिजेरियन ऑपरेशन नहीं होगा, डिलीवरी नॉर्मल होगी, बच्चा स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। और आगे की मेरी गारंटी है कि उस बच्चे को जिंदगी में कभी ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, वो इतना स्वस्थ रहे, उसको कोई वैक्सीन देने की जरूरत नहीं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देना नहीं पड़ेगा, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन देना नहीं पड़ेगा, उसको पोलियो वैक्सीन कभी देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके शरीर की प्रतिकारक शक्ति इतनी होगी। तो गाय का दूध, दूध के साथ घी, सवेरे गाय के दूध का बनाया हुआ दही और उसमें मिलाया हुआ चूने का पानी, बस इतना सा उपाय है ये। और दूसरा उपाय है कि अगर ये करने के बाद भी किसी महिला को यूट्रस डिस्प्लेसमेंट का केस होता है तो आप उसको सवेरे गोमूत्र पिलाऊंगे आधा कप, 1 घंटे के बाद यही मेथी का दाना और पानी मिला के रोज रात को रखना और सुबह खिलाना, इतने से यूट्रस डिस्प्लेसमेंट का ही केस ठीक हो जाए, जो गर्भाशय है ना वो वापस अपने स्थान पर जाकर फिक्स हो जाए। इतनी अद्भुत दवा है गोमूत्र, लेकिन मेथी दाने के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। तो ऐसे ही हमारे रसोई में बहुत अच्छी दवा है, उसका नाम है दालचीनी। दालचीनी गुड़ के साथ या दालचीनी शहद के साथ, 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर और 1 चम्मच शहद रोज मिलाकर किसी को खाली पेट दें और 1 घंटे के बाद गोमूत्र दें तो 48 बीमारियां उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए। 48 पित्त के जितनी भी रोग है, पित्त के रोग माने पेट में जलन होना, गैस बनना, खट्टी डकारें आना, रात को नींद नहीं आना, हमेशा बार बार हिचकी आना, ये सब पित्त की जितनी भी बीमारियां हैं वो सब की सब इससे ठीक हो जाती है। दालचीनी का पाउडर ने हिसाब जोड़ा है 148 बीमारियां ठीक होती है। और ये 148 बीमारियों पर हिंदुस्तान के लोग हर साल 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। ये वजन में ठीक होने वाली बीमारी है। आप जानते हैं डायबिटीज के भारत में 5 करोड़ मरीज है और 1 मरीज का महीने का खर्चा लगभग 1,000 रुपए का है, तो 12,000 रुपए साल का खर्चा, और 5 करोड़ मरीज है, 60,000 करोड़ रुपए डायबिटीज पर खर्च होता है 1 साल में भारत में। लेकिन डॉक्टर गारंटी कुछ नहीं देता कि कितने दिन में ठीक हो, वो कहेगा इंसुलिन का इंजेक्शन जिंदगी भर लगाते रहो, इसका मतलब वो इलाज नहीं कर रहा है, अपना धंधा कर रहा है। इलाज का मतलब है 2-3 महीने में ठीक होना ही चाहिए, और अगर नहीं कर सकता तो बोल देना चाहिए कि मैं इलाज नहीं कर सकता। और वो डायबिटीज जिसका डॉक्टर जिंदगी भर इंसुलिन देता रहता है वो गाय मूत्र से ठीक होती है।
148 बीमारियां जिन पर लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्च करते हैं हर साल, ये सब गाय मूत्र और चिकित्सा रसोई की, अगर रसोई की औषधियों की थोड़ी भी जानकारी है इसका उपयोग करके ठीक कर सकते हैं। और तो हम लोगों ने गांव गांव ये प्रचार अभियान शुरू किया कि गांव गांव में गोमूत्र चिकित्सा हो और अपने रसोई घर में जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं उनकी चिकित्सा लोग करने लगे तो गांव के लोग ठीक होने लगे और उनके रिश्तेदार पड़ोसी ठीक होने लगे, देश का लाखों करोड़ों रुपए बचने लगे और गाय का महत्व बढ़ने लगे। ये मेरी आपसे विनती है, आप अपने गांव में भी इसका प्रचार करें। तो आप बोलेंगे राजी भाई ये सब जानकारी जो दी है हमें याद नहीं रहती, बहुत लोग कहते हैं हमको ये बातें याद नहीं रहती, और याद क्यों नहीं रहती, क्योंकि हमारी स्मरण शक्ति कम होगी, और हमारी स्मरण शक्ति कम होने का कारण क्या है, रोज हम भैंस का दूध पीते हैं तो भैंस जैसे हो गए, गाय का दूध पीना बंद हो गया, भैंस का चालू हो गया। तो मेरी विनती है कि आप अगर स्मरण शक्ति अच्छी रखना चाहते हैं तो गाय का ही दूध पीजिए, गाय का दूध पिएंगे तो गाय जैसे बनेंगे, भैंस का दूध पिएंगे भैंस ही जैसे हो जाएंगे। आप कभी भी देखो भैंस सड़क में खड़ी हो जाए, सामने से ट्रक आए, पीछे से बस आए, कितना भी हॉर्न बजाए, भैंस हटती नहीं, वही खड़ी रहती, क्योंकि हटने के लिए अकल चाहिए, उसमें अकल नहीं है। और कभी भी देखना भैंस कीचड़ में जाके बैठती है, कंधे से गंदा कीचड़ उसमें घुस जाएगी, बैठ जाएगी और एक बार बैठ गई तो गंदा मारने बॉडी नहीं निकलती। और कभी भी देखना भैंस का बच्चा जब पैदा होता है ना तो गिर जाता है, जब खड़ा भी नहीं रहता और इतना आलसी होता है कि पड़ा रहता है, दो चार दिन हिलता भी नहीं, उठा के रखना पड़ता। और गाय का बच्चा जब पैदा होता है तो आधे घंटे में कूदना शुरू कर देता है और एक घंटे में तो दौड़ने लगता है, इतना इमीडिएट जो वो गाय का दूध पीता है। गाय का दूध पीने से चुस्ती फुर्ती आती है, भैंस का दूध पीने से आलस्य आता है। आप कभी सोचो अगर भैंस अच्छी होती तो भगवान कृष्ण जरूर पाली होती। आपको मालूम है भगवान कृष्ण के घर में 7 लाख गाय थी, 3 लाख गाय वो संभालते थे, 3 लाख गाय उनके भाई बलराम संभालते थे और 1 लाख गाय उनके पिताजी नंद बाबा संभालते थे। जो परिवार 7 लाख गाय रख सकता है वो एक भैंस तो रख ही सकता था, लेकिन भैंस नहीं। भगवान राम ने भी कभी भैंस नहीं पाली, उनके घर में कपिला गाय थी, कभी भी भैंस नहीं है। भगवान शंकर के पास भी गाय का नंदी है, दत्त भगवान ने भी गाय की पाली है, भैंस सिर्फ यमराज ने पाली है। तो आप भैंस का दूध पियो, यमराज के पास चलो और भैंस का दूध पीने से यमराज के पास आप कैसे जाएंगे? आप जानते हैं भैंस का दूध पीने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, क्योंकि भैंस का दूध गाढ़ा होता है, उस गाढ़े दूध को बचाने के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए, तो कोलेस्ट्रॉल पैदा हुआ लेकिन वो फिर कंज्यूम नहीं होता तो ब्लड में इकट्ठा होता रहता है, और ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाता है तभी हृदय घाता है, हृदय घाता है तो यमराज के पास। तो भैंस यमराज की है, उसका दूध मत पियो, भगवान कृष्ण की गाय है उसी का दूध पियो, और आप पियो अपने बच्चों को भी पिला तो स्मरण शक्ति बहुत तेज होगी। मैंने मेरे अपने जीवन में ये करके देखा है, बचपन में मेरी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी नहीं थी तो मेरी माँ को किसी संत ने बताया कि इस बच्चे को गाय का दूध पिलाओ, तो बचपन से मेरी माँ मुझे गाय का दूध पिलाती है, उसमें थोड़ा घी डाल के और थोड़ी हल्दी थोड़ा घी और दूध मैं बचपन से पीता हूँ सोते समय। आज मेरी स्मरण शक्ति इतनी तेज है कि एक किताब में एक बार पढ़ लूं तो बता सकता हूं कि उसके किस पेज पर क्या लिखा हुआ। बचपन में मेरी स्मरण शक्ति इतनी अच्छी नहीं, ये गाय के दूध का और गाय के घी का कमाल। आप अपने घर के बच्चों को भी यही पिलाइए और आप भी खुद यही पीजिए, और मेरा निवेदन है कि घी भी खाना है तो गाय के दूध का ही खाइए, भैंस के दूध का घी मत खाइए, क्योंकि उससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो जैसे सिर दर्द है, माइग्रेन है, हेडेक है, इसकी बहुत अच्छी दवा है गाय का घी, हल्का गरम करो गाय घी और एक एक बूंद नाक में डाल के रात को सो जाओ, सभी तरह के सिर दर्द ठीक होते हैं। और गाय घी अगर आप नाक में डालो ना तो कई बीमारियां ठीक होंगी, जैसे
अगर आपको रात में नींद नहीं आती, विर्क पे करवटे बदलते रहते हैं, आप ये गाय घी डाल के सो जाओ, बहुत अच्छी नींद है। कई लोग हैं जो रात को सोते समय नाक से संगीत निकालते हैं और इतना जोरदार संगीत निकलता है कि पड़ोसी उनके सो ही नहीं सकते, वो तो मस्त सो जाते हैं, पड़ोसी परेशान रहते हैं। उन सभी लोगों की सबसे अच्छी दवा है ये गाय घी। हल्का गर्म करो, एक एक बूंद नाक में डालो ड्रॉपर की मदद से। गाय घी और बड़े काम में आता है, जैसे साइनस, साइनोसाइटिस या साइनस, उसकी बहुत अच्छी दवा है ये गाय घी। किसी को भी साइनस की तकलीफ है, कितनी भी पुरानी है, आप उनको बोलो गाय घी डालेना, बहुत जल्दी ठीक हो। स्नोफीलिया जिनको भी है उनको बोलो गाय घी डाले नाक में, बहुत जल्दी ठीक हो। और जैसे नाक में कई बार हड्डी बढ़ जाती है, मांस बढ़ जाता है, पॉलिप, उसकी बहुत अच्छी दवा है ये गाय घी, हल्का गर्म करके डालते हैं। ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे जिनको बहुत ज्यादा छींकें आती हैं, हर समय छींकते हैं, नाक से पानी निकलता है, उनको बोलो गाय घी डाल के रात को सो। कई बार नाक बंद हो जाती है तो मुंह से सांस लेते हैं, गाय घी डाल दो, एक ही बार में नाक खुल जाए, और बहुत गंभीर एक बीमारी में ये काम आता है गाय घी। जब किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस होता है, और हमारे ब्रेन के किसी हिस्से में ब्लड जमा हो जाता है, क्लॉट, उसको निकालने की ताकत इस गाय घी में है। आप नाक में डालते रहो एक एक बूंद, और जिनको ये तकलीफ है उनको कहना ऐसे करके उसको थोड़ा सा खींचे, वो ब्रेन में अंदर जाएगा। गाय घी ब्रेन के हर उस पार्ट में पहुंच जाता है जहां मेडिसिन भी नहीं पहुंच सकती, बहुत अद्भुत है। और ये एक गाय घी कम से कम 28-30 बीमारियां ठीक करता है। आपको इसके बारे में एक रोचक बात बताऊं कि ये गाय घी जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा, मिलता नहीं कहीं, आप रखो इसको, थोड़ा थोड़ा शीशी में बना के रखते जाओ, पुराना जितना होता जाएगा क्वालिटी बढ़ती जाएगी। और एक समय ऐसा आता है कि ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को भी ठीक करता है। और कुछ दवाएं बताता हूं, आंख की बीमारियां, आंख, आंख में मोतियाबिंद हो सकता है, काला मोतिया हो सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट बीमारी आई, या मायोपिया हुआ, या कलर ब्लाइंडनेस, डे ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सबके लिए बहुत अच्छी दवा है गाय मूत्र, ताजा फ्रेश, एक एक बूंद आंख में डाल, बहुत अच्छा काम कर। आंखों में ऐसी कई बीमारियां हैं जो जल्दी ठीक नहीं होती, जैसे रेटिनल डिटैचमेंट ठीक नहीं होता जल्दी, लेकिन गाय मूत्र डालने से बिल्कुल ठीक होता है। अब इसमें सावधानी वही है कि गाय गर्भवती ना हो और मूत्र देशी गाय का हो। कान की कई बीमारियां हैं, कान में एक एक बूंद गोमूत्र डाल दो ठीक हो जाता है, कान में बहुत तेज दर्द हो रहा है, एक बूंद गोमूत्र डालो तुरंत दर्द बंद होता है। कान से गंदगी निकलती है, मैल निकलता है, वो ठीक होगा। कई बार कान में हमिंग साउंड आती है, हम ऐसे कान में घूमता गूंजता रहता है, ये बहुत अच्छे से ठीक होता है गाय घी से, ओ सॉरी गाय मूत्र से। गले की कई बार कई बीमारियां हैं जो गोमूत्र ठीक कर देता है। उसको बहुत जरूरत है, आपको मालूम है जोर अंकुश भैंस का मांस खाता है, तो भारत की सब भैंस भैंस वो अमरीका चली जाएगी, खाएंगे अमरीका वाले उसको, काट के खाए या दूध पिए, हमसे क्या लेना देना। अपना देश भैंस का देश नहीं है, अपना देश गाय का देश है, क्योंकि ये कृष्ण का देश है, राम का देश है, महावीर का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, यहाँ हर भगवान ने गाय पाली है, भैंस किसी ने नहीं। तो गाय रहेगी तो गाय का दूध आप पियेंगे, और एक छोटी सी विनती है कि आप गाय का दूध पिए अपने जीवन में, गाय का घी खाएं, जरूरत पड़े तो खेत में गाय का गोबर और गोमूत्र ही लगाएं।
आजकल आप यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट इस्तेमाल करते हैं, उससे खेती की हालत खराब हो गई। यूरिया डीएपी डालते डालते मिट्टी में जहर बढ़ गया और इतना जहर बढ़ गया है कि वो जहर आपके खाने में आ गया। कोई भी व्यक्ति जो यूरिया डीएपी का गेहूं खाता है, वो अपने रक्त का कभी भी परीक्षण कराए तो आपके रक्त में यूरिया निकलेगा। जो कुछ खेत में आप डालते हैं ना, इंडोसल्फान मेलाथियन, वो आपके रक्त में निकलेगा, नहीं तो करा के देखिए इनको परीक्षण। एक बार मैंने मेरे रक्त का बहुत साल पहले परीक्षण कराया था, 15 साल पहले, मेरे रक्त में डीडीटी निकला, डीडीटी। तो मैं परेशान हो गया, ये डीडीटी आया कहां से? तब मेरे समझ में आया कि मेरे घर में खेती होती है, मेरे माता पिता दोनों किसान है, मेरे माता पिता भी किसान थे, हमारे परिवार में 17 साल से खेती होती है, हमारा परिवार अलीगढ़ जिले में उत्तर भारत में है। तो मेरे खेत में 15 साल पहले मुझे याद है कि खूब यूरिया डीएपी सुपर फॉस्फेट डालते थे, डीडीटी छिड़कते थे, एंडोसल्फान डालते। तो इसका असर यह था कि मेरे खून में भी डीडीटी और एंडोसल्फान आ गए। तब हम लोगों ने 15 साल पहले परिवार में बैठकर फैसला किया कि जो रक्त में आने लगा है, इसका मतलब खतरनाक स्तर तक हमने ये जहर खा लिया है, अब ये बंद करना चाहिए। तो हमने घर में मिलकर फैसला किया, गोबर डालेंगे, गौमूत्र डालेंगे, यूरिया डीएपी बंद कर दिया। 15 साल हो गया यूरिया डीएपी बिल्कुल बंद कर दिया। तो हमने देखा कि यूरिया डीएपी बंद करने से हमको 4 फायदे हो गए, नुकसान तो एक भी नहीं है, फायदे 4। पहला फायदा ये हो गया कि खेती का खर्चा कम हो गया। पहले यूरिया डीएपी हम डालते थे तो 1 हेक्टेयर खेत में कपास लगाने का खर्चा हमारा कम से कम तो 1800 से 2000 रुपए आता था 1 हेक्टेयर में। अब हमने यूरिया डीएपी बंद कर दिया, अब उसी 1 हेक्टेयर में कपास लगाने का ज्यादा से ज्यादा खर्चा हमारे 200 रुपए आता, माने हमारा 90% खर्चा कम हो गया। तो खर्चा कम हुआ 1 लाख। दूसरा लाभ क्या हुआ कि पहले 1 एकड़ खेत में हमको 3 क्विंटल कपास आता था, अब 1 एकड़ खेत में 7.5 क्विंटल कपास आता है। 15 साल में इतना परिवर्तन, तो उत्पादन हमारा 2 गुना हो गया, 100% ज्यादा हो गया, खर्चा 90% कम हो गया, माने 190% फायदा हमको हो गया। वो खेती में ही संभव। मेरे पिताजी के चचेरे भाई, उनके पास खेती है, हमारे पास भी है, उनके पास भी है। हमने घर में आपस में एक समझदारी बनाई हुई है कि खेती में कोई जो करेगा वो दूसरा नहीं करेगा। तो जैसे हम गेहूं चावल चना दान करते हैं तो वो सब्जियां करते हैं, तो उनके खेत में हमेशा सब्जी रहती है, हमारे यहाँ गेहूं चना चावल। तो उनका 25 एकड़ खेत है, 25 एकड़ में जो सब्जियां लगाते हैं, भिंडी है, तुरई है, टिंडे है, टमाटर है, जो भी सब्जी है वो लगाते हैं 25 एकड़ खेत में हर रोज। आपको ये बात मैं सुना रहा हूं और ध्यान से आप सुनिएगा, हर रोज 5000 किलो सब्जी फूटती है, हर रोज 5 टन। और 1 किलो सब्जी अगर 3 रुपए में भी बिके, 4 रुपए में भी बिके, 5 रुपए में बिके, तो 25,000 रुपए रोज की इनकम है। 25 एकड़ खेत में 25,000 रुपए की इनकम, आपको क्या चाहिए? ईमानदारी की, बेईमानी की नहीं। तो उस दिन से मेरे समझ में आ रहा कि गाय के गोबर और गोमूत्र में इतनी ताकत है कि कोई भी किसान करोड़पति हो सकता है। फिर मैं भारत देश में प्रवास करता हूँ पिछले 10-12 साल से। एक बार मैं तमिलनाडु में गया, तमिलनाडु में एक जिला है उसका नाम है अरका। अरका जिले में एक किसान के घर में मैं गया था, उनके परिवार में वो बताते हैं कि 200-300 साल से खेती होती है और हमेशा गाय का गोबर और मूत्र ही डालते हैं। उनके 1 एकड़ खेत में 56 क्विंटल धान पैदा हो रहा है आज की तारीख, 56 क्विंटल, 56 क्विंटल पर एकड़। और तमिलनाडु सरकार ने इस साल दो भाई को सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार दिया है 5 लाख रुपए का, और उनका भारत के टेलीविजन चैनल पर आधा घंटे का कार्यक्रम आया DD1 पर और तमिल टीवी चैनल पर। अरका जिले 56 क्विंटल चावल, ये सॉरी धान 56 क्विंटल 1 एकड़ सिर्फ गोबर गोमूत्र से। एक किसान को मैं जानता हूँ कर्नाटक में, कर्नाटक में गुलबर्गा जिले में, उनका नाम है अब्दुल रऊफ, बहुत अद्भुत आदमी। उनका खेत अभी मैं देखने गया तो अब्दुल रईस ने मुझे अपनी कहानी सुनाई। वो कक्षा 8 में पढ़ाई छोड़कर स्कूल से चले गए थे, कारण क्या था, उनके पास पैसे नहीं थे।
फीस के देने के पैसे नहीं थे तो अब्दुल रऊफ को पढ़ाई छोड़नी पड़ी कक्षा आठवीं। फिर उन्होंने क्या किया, किसी आदमी से खेत ले लिया किराए पर कि भाई खेत मुझे दे दो, किराया फिक्स कर लो, साल में जितना तुमको चाहिए मैं दूंगा। तो उन्होंने 15 एकड़ खेत लिया 1000 रुपए एकड़ के किराए पर, मैंने 15000 रुपए उनको देने हैं हर साल। खेत ले लिया तो उसमें खेती शुरू किया गाय का गोबर गौमूत्र से। अब्दुल रऊफ की आज की एक साल की इनकम नेट इनकम जो है वो 3.5 लाख रुपए नेट इनकम, और ग्रॉस इनकम उनकी 10 लाख रुपए मात्र 15 एकड़ खेत। और कर्नाटक सरकार ने अब्दुल रऊफ को इस साल का 10 लाख रुपए का सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार दिया। मैंने कर्नाटक सरकार के एक यूनिवर्सिटी में जाकर कहा, धारवाड़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मेरा एक व्याख्यान था, मैंने कहा ये अब्दुल रऊफ तो कोई साइंटिस्ट से बड़ा साइंटिस्ट है, जो काम वैज्ञानिक नहीं कर सकता वो अब्दुल रऊफ कर रहा है। अब्दुल रऊफ क्या करता है, गोबर गौमूत्र से ज्वार उत्पन्न करता है, ज्वार, और ज्वार का अच्छा क्वालिटी का बीज बनाकर बीज बेचता है और 10 लाख रुपए साल का कमा लेता 15 एकड़ से। तो मैंने वहां यूनिवर्सिटी को कहा कि इसको तो डॉक्टरेट की पदवी मिलनी चाहिए। तो चांसलर ने कहा कि ये तो आठवीं पास नहीं है। मैंने कहा वो आप छोड़ दो, ये तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों से बड़ा आदमी है, जो चीज वैज्ञानिक नहीं बना पा रहे हैं वो ये बनाकर किसानों को बेचा। तो अभी थोड़े दिन पहले धारवाड़ विश्वविद्यालय ने अब्दुल रऊफ को डॉक्टरेट अवार्ड किया, और आप जानते इसका फायदा क्या हुआ, जिस दिन अब्दुल रऊफ को डॉक्टरेट मिला मैं खुद उस पुरस्कार समारोह में हाजिर था, सारे अखबार वाले और मीडिया वाले हाजिर थे, अगले दिन कर्नाटक के सभी अखबारों में फ्रंट पेज पर छपा। 3 दिन के अंदर 500 किसान आ गए कि हम भी यही कर रहे हैं, आप देखो हमारे खेत में, हमें तो पता ही नहीं, हम भी यही कर रहे हैं, कोई 10 साल से कोई 15 साल से। और उन 500 किसानों के खेत में जाकर देखा तो एक एक से चमत्कार, गाय के गोबर और गौमूत्र। तब उन किसानों को सबकी लिस्ट बनाकर धारवाड़ यूनिवर्सिटी के सामने पेश हुआ। आज धारवाड़ यूनिवर्सिटी ने 500 किसानों को डॉक्टरेट दिया। वो कहते हैं कि इनसे बड़ा कृषि वैज्ञानिक कौन हो सकता है, भले ये 8वीं फेल है 7वीं फेल है लेकिन उनकी जो अकल है, ये जो बुद्धि है, वो किसी वैज्ञानिक से ऊंची है। उस दिन से मुझे ये कन्विक्शन हो गया है कि अगर ये 500 किसान कर सकते हैं गोबर गौमूत्र से, मेरे अपने घर में गोबर गौमूत्र की खेती हो रही है, तो आप भी कर सकते हैं। आपके पास अगर थोड़ा भी खेत है, 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़, तो आप भी गोबर गौमूत्र से करना शुरू करें। तरीका इसका बहुत सरल है, गाय का गोबर ले लो, गाय का मूत्र ले लो, दोनों को इकट्ठा करके घोल लो, उसमें थोड़ा गुड़ मिला दो और चने की दाल का आटा या फिर उड़द की दाल का आटा मिला दो, 15 दिन उसको रखो, 15 दिन के बाद इसमें पानी मिला दो, जितना गोबर मिलाया था उसका 10 गुना पानी मिला दो। अब ये जो घोल तैयार हुआ इसको खेत की मिट्टी में छिड़क दो, स्प्रे करना। इसके स्प्रे करने के 2 तरीके हैं, अगर आपके पास स्प्रे मशीन है तो उसका नोजल निकाल के स्प्रे कर दो, और अगर खेत में पानी लगाते हैं तो पानी के साथ ये घोल छोड़ दो तो मिट्टी में चल जाए। और एक तीसरा तरीका है कि खेत की मिट्टी ले लो और इसमें डाल दो गोबर गौमूत्र का जो घोल है, मिट्टी इसको सोख लेगी, फिर उस मिट्टी को खेत में ऐसे डाल दो जैसे यूरिया डाल दो, और हर 15 दिन में करना। मात्रा कितनी, अगर 1 एकड़ खेत है तो 15 किलो गोबर, 15 लीटर मूत्र, 2 किलो गुड़ और 2 किलो दाल का आटा, अगर 1 एकड़ खेत है। 2 एकड़ खेत है तो 30 किलो गोबर, 30 लीटर मूत्र, 4 किलो गुड़, 4 किलो दाल का आटा। अगर आपका ज्यादा खेत है तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, और इसमें कभी ज्यादा कम हो जाए तो घबराने की बात नहीं, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं। यूरिया ज्यादा कम हुआ तो खेत जल जाएगा, ये ज्यादा कम होने से कोई फर्क नहीं। बस इसमें सावधानी इतनी ही रखनी है कि जब गाय का मूत्र और गोबर आप डालें तो वो देशी गाय का ही होना चाहिए, तो जर्सी का मत मिला देना उसे। हाँ, जर्सी का मिलाएंगे तो परिणाम अच्छा नहीं आएगा, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। फिर आप बोलेंगे राजू भाई बोल के गए थे हमने किया, परिणाम नहीं आया। परिणाम अच्छा तभी आएगा जब देशी गाय का गोबर और देशी गाय का ही मूत्र हो। फिर आप बोलेंगे जी देशी गाय नहीं है तो खरीद लो, छत्तीसगढ़ में मिलती है, भैंस बेच कर गाय ले लो, एक भैंस बेचोगे तो 4-5 गाय आ जाएगी, और एक भैंस जितना खाती है उसमें 4 गाय खाएगी, बहुत खाती है भैंस और नखरे भी बहुत है उसको,
थोड़ी गर्मी ज्यादा हो जाए तो उसको स्नान कराना पड़ता है, नहीं तो दूध नहीं देती, और खाना थोड़ा कम हो जाए तो दूध नहीं देती। तो ये नखरे लिए खरे नखरे वाली भैंस को क्यों रखा हुआ है? गाय में लो सीधी सादी भोली भाली, थोड़ा कम भी खाएगी तो दूध कम नहीं होता उसका। गाय गम खाती है, गम भी खाती है, इसलिए उसको माँ का दर्जा है, भैंस नहीं है। तो भैंस दे दो, मान ले लो जर्सी गाय बेच लो, भी देसी गाय ले लो। आप में से जो कार्यकर्ता भाई ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, जो गांव से आए हैं, उनको भी स्वदेशी आंदोलन चलाना है। उनको स्वदेशी आंदोलन क्या चलाना है? अपने गांव में विदेशी कंपनियों की सबसे ज्यादा बिकने वाली जो चीज है वो है रासायनिक खाद, जिसको हम यूरिया कहते हैं, डीएपी कहते हैं, सुपर फॉस्फेट कहते हैं, और रासायनिक कीटनाशक जिसको एंडोसल्फान कहते हैं, मेलाथियान कहते हैं, पैराथियान कहते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं। तो ये विदेशी कंपनियों के कीटनाशक और रासायनिक खाद ये किसानों के बीच में सबसे ज्यादा खरीदी जाती है, और एक साल में 4,80,000 करोड़ रुपए की खरीदी जाती है रासायनिक खाद और कीटनाशक। माने हमारे किसान हर साल रासायनिक खाद और कीटनाशक खरीदकर विदेशी कंपनियों को 4,80,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। ये भी हमको बचाना है। तो क्या करना है? किसानों को जो समझाना है जाकर गांव गांव में कि भैया ये रासायनिक खाद विदेशी है, ये मत डालो। तो किसान पूछेगा क्या डालें? तो उससे कहो गोबर की खाद डालो, ये रासायनिक खाद मत डालो। तो किसान पूछेगा जी गोबर की खाद में फायदा कम है, रासायनिक खाद में फायदा ज्यादा है? तो उसको बड़े प्रेम से समझाना है कि गोबर की खाद में ही फायदा ज्यादा है, रासायनिक खाद में फायदा तो बहुत कम है, क्योंकि रासायनिक खाद बहुत महंगी मिलती है। पहले एक कट्टा रासायनिक खाद मिलती थी 70 रुपए में, अब एक कट्टा रासायनिक खाद मिलती है 250 रुपए में, 300 रुपए में, 350 रुपए में, और कभी कभी ब्लैक हो जाए तो 500 रुपए में यूरिया, और हर साल कीमत बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि ये रासायनिक खाद बनती है उन वस्तुओं से जिनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहा जाता है, और सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिसको नेफ्था कहते हैं वो विदेशों से आता है, इसका पैसा पूरा विदेश में जाता है। किसानों को समझाइए ये कि बहुत महंगी पड़ती है, और इसकी महंगाई पता है दूसरी क्या है? एक बार आपने खेत में एक कट्टा यूरिया डाल दिया तो अगली बार 2 कट्टा डालना पड़ेगा, 2 बोरे डालना पड़ेगा, और एक बार 2 बोरे पड़ गया तो अगली बार 3 बोरे डालना पड़ेगा, एक बार 3 पड़ गया तो फिर 4 डालना पड़ेगा। हर बार बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, खर्चा बढ़ता जाता है। और मालूम है रासायनिक खाद बहुत गर्म होता है, गर्म रासायनिक खाद यूरिया डीएपी आप डालते हैं, मिट्टी पूरी चटक जाती है गर्मी के कारण, तो पानी ज्यादा देना पड़ता है। गोबर की खाद लगा के खेती करें तो गेहूं की फसल लेने में 3 पानी लगता है, यूरिया डीएपी डालकर अगर गेहूं की खेती करें तो 5-6 बार पानी लगाना पड़ता है, पानी का खर्चा बढ़ जाता है, और पानी का खर्चा बढ़ेगा तो पानी तो जमीन में से ही निकालना पड़ता है, जमीन से ज्यादा पानी निकाल के आप खेतों में डालते रहेंगे तो पानी का तल नीचे 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 होता चला जाता है। पहले पानी 25-30 फुट पे मिलता था, अब पानी 900 फुट तक नहीं मिलता खेतों में। तो किसानों को समझाइए कि यूरिया डालने से बड़ा भारी नुकसान है। एक तो हर साल खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, खर्चा बढ़ता है, दूसरा हर साल पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, वो खर्चा बढ़ता है, और जहां पानी निकालने के लिए बिजली नहीं है वहां डीजल पंप चलाना पड़ता है तो डीजल का खर्चा बढ़ता है, और डीजल कभी भी महंगा होता रहता है। एक जमाने में 7 रुपए लीटर मिलता था डीजल, अब 35 रुपए लीटर, 2-4 दिन के बाद ये 40 रुपए लीटर होने जा रहा है, फिर हो सकता है साल डेढ़ साल में 100 रुपए लीटर हो जाए। किसान कहां जाएगा, मर जाएगा वो तो डीजल का खर्चा करते करते। और फिर एक और नुकसान होता है कि ये यूरिया डीएपी जब हम खेत में डालते हैं तो मिट्टी में ये केमिकल घुल जाते हैं, और मिट्टी में घुल गए तो पौधे की जड़ में आ जाते हैं, पौधे की जड़ से पौधे के तने में आ जाते हैं, पौधे के तने से पौधे के फल में आ जाते हैं, पौधे के फल में आ जाते हैं तो फिर वही फल हम खाते हैं, हमारे शरीर में आ जाते हैं, और हमारे शरीर में अगर ये जहर आ गया तो हमारी माताएं तो पूतना हो जाती हैं।
आपने पूतना की कहानी सुनी, कृष्ण भगवान को जहर पिलाने के लिए आई थी। आज हमारी माताओं के दूध में जहर आ चुका है अपने अपने बच्चों के लिए, वो पूतना की स्थिति में है। आज हमारे देश की कई संस्थाओं ने माताओं के दूध का परीक्षण करवाया है तो माताओं के दूध में वो सारे केमिकल हैं जो यूरिया में हैं, माताओं के दूध में वो सब केमिकल हैं जो कीटनाशक दवाओं में हैं, क्योंकि भोजन हम कर रहे हैं, भोजन के साथ वो शरीर में जा रहे हैं। और यही केमिकल हैं जो आपको कैंसर पैदा करवा रहे हैं, जो आप में डायबिटीज दे रहे हैं, जो आप में हाई ब्लड प्रेशर दे रहे हैं, हाइपरटेंशन दे रहे हैं। 148 किस्म की बीमारियां इन जहरों से पैदा होती है। इसलिए किसानों को समझाओ कि ये यूरिया डीएपी का जहर एक तो विदेशी है, ये बंद करो। दूसरा, ये शरीर को नुकसान देता है, इसलिए बंद करो। तीसरा, ये पैसे का नुकसान करता है, इसलिए बंद करो। तो किसान पूछेंगे भाई क्या करें, तो उनसे कहो गोबर का खाद डालो। अब किसान क्या पूछेगा आपको, सबसे पहले वो कहेगा गोबर के खाद से तो उत्पादन नहीं होता। तो उससे कहो गोबर के खाद से भी उत्पादन बहुत अच्छा होता है, यूरिया डीएपी से जितना नहीं होता उससे तो ज्यादा गोबर के खाद से होता है। मैं तो पिछले 12-13 साल किसानों के बीच में काम करता रहा महाराष्ट्र और कर्नाटक में। आप आइए वहां देखिए, हजारों हजारों किसानों ने यूरिया डीएपी बंद करके गोबर का खाद डालना शुरू किया है। और जिस किसान के यूरिया डीएपी के खेत में 1 एकड़ में 20 से 25 मीट्रिक टन गन्ना होता था, आज उस किसान के खेत में गोबर का खाद डालने से 90 से 100 मीट्रिक टन गन्ना हो रहा है, कम नहीं होता है। जिन किसानों के खेत में यूरिया डीएपी डालने से 1 एकड़ में 12 क्विंटल गेहूं होता था, आज उनके खेत में गोबर का खाद डालने से 20 से 22 क्विंटल गेहूं हो रहा है। जिन किसानों के खेत में यूरिया डीएपी डालने से 1 एकड़ में 2.5 क्विंटल कपास होती थी, आज उन किसानों के खेत में गोबर का खाद डालने से 7 क्विंटल एकड़ का कपास हो रही है। ऐसे एक नहीं, हजारों किसान हैं महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, थोड़ा अगर चलेंगे तो छत्तीसगढ़ में बहुत किसान हैं। 12 साल मैंने बहुत काम किया किसानों के बीच जा जाके उनको ये सब सिखाया। गोबर की खाद से उत्पादन ज्यादा मिलता है यूरिया डीएपी की तुलना, क्यों मिलता है वो जानना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया बात है, जो आप जान लो तो आप किसानों को समझा सकते। गोबर की खाद जब हम खेत में डालते हैं तो होता क्या है, गोबर जो है ना कई तरह के जीव जंतुओं का भोजन है, यूरिया जो है वो भोजन नहीं जहर है। आपके खेत में एक जीव होता है जिसको केंचुआ कहते हैं। केंचुआ को किसी दिन पकड़ना और हाथ पे रखना और उसके ऊपर यूरिया डाल देना, 2-4 दाने ही यूरिया डालोगे वो तड़पना शुरू हो जाएगा और 1 मिनट में मर जाएगा। हम जब खेत में टनों टन यूरिया डालते हैं ना, करोड़ों केंचुए मार डाले हमने यूरिया डाल डाल के। और केंचुए क्या करते हैं, केंचुए मिट्टी को नरम बनाते हैं, पोला बनाते हैं और उपजाऊ बनाते हैं। केंचुए का काम क्या है, ऊपर से नीचे जाना, नीचे से ऊपर जाना, पूरे दिन में वो 3 चक्कर नीचे ऊपर के लगाता है, नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। अब केंचुआ जिंदा है तो नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, केंचुआ जब नीचे जाता है तो एक रास्ता बनाते हुए जाता है, ऊपर आता है तो दूसरा रास्ता बनाते हुए आता है। तो परिणाम क्या होता है कि ये छोटे छोटे छिद्र जब मिट्टी में वो केंचुए तैयार कर देता है तो बारिश का पानी इन्हीं छिद्रों में से नीचे एक एक बूंद नीचे रिसते हुए तल में जमा होता है। माने वॉटर रिचार्जिंग का दुनिया में सबसे जबरदस्त काम कोई करता है तो केंचुआ करता है, और यूरिया के कारण ये मर जाता है। इसलिए यूरिया डालना माने किसान के लिए आत्महत्या करने के बराबर है। जिस किसान के खेत में यूरिया डलेगा केंचुआ मर जाएगा, केंचुआ मरा तो मिट्टी में ऊपर नीचे कोई जाएगा नहीं, तो मिट्टी कठोर होती जाएगी, कड़क होती जाएगी। मिट्टी और रोटी के बारे में एक सत्य है कि इसको फेरते रहो नहीं तो खत्म हो जाती है। रोटी को फेरना बंद करो जल जाती है, मिट्टी को फेरना बंद करो पत्थर जैसी हो जाती है। मिट्टी को फेरने का मतलब समझते हैं, ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर, ये केंचुआ ही करता और कोई नहीं कर सकता। केंचुआ तो किसान का सबसे बड़ा दोस्त है। मैंने इसका हिसाब निकाला था,
एक केंचुआ साल भर अगर जिंदा रहे तो 36 मीट्रिक टन मिट्टी को उठक पटक कर देता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, एक केंचुआ साल भर में। और उतनी ही मिट्टी को ट्रैक्टर से उलट पलट करना पड़े तो कम से कम 100 लीटर डीजल खर्च होता है, और 100 लीटर डीजल 3600 रुपए का आता है। माने एक केंचुआ हर आदमी का 3600 रुपए बचा रहा है। ऐसे करोड़ों केंचुए हैं, पता सोचो कितने हजार करोड़ रुपए बच रहे हैं इस देश। इसलिए गोबर का खाद डालने से फायदा क्या होता है? रासायनिक खाद डालो केंचुआ मर जाता है, गोबर का खाद डालो केंचुआ जिंदा हो जाता है, क्योंकि गोबर केंचुए का भोजन है। केंचुए को भोजन मिले तो वो अपनी जनसंख्या बढ़ाता है, और इतनी तेज बढ़ाता है कि कोई नहीं बढ़ा सकता। भारत सरकार कहती है हम दो हमारे दो, केंचुआ नहीं मानता उस बात को। एक एक केंचुआ 50,000 बच्चे पैदा करके मरता है, 50,000। एक जाति का केंचुआ तो मैंने देखा 1,00,000 पैदा करता है बच्चे, तब मरता है। तो वो एक जिंदा है, उसने 1,00,000 पैदा कर दिए, अब वो 1,00,000 पैदा करेंगे, करोड़ों केंचुए हो जाएंगे अगर गोबर डालना शुरू किया। और केंचुए ज्यादा होंगे तो मिट्टी फिर उलट पलट होने लगेगी, मिट्टी में छिद्र बनने लगेंगे, तो बारिश का जितना भी पानी गिरेगा सब मिट्टी में आ जाएगा, और पानी मिट्टी में गया तो नदियों में बेकार नहीं बहेगा, तो बाढ़ नहीं आएगी, तो समुद्र में फालतू पानी नहीं जाएगा, इस देश का करोड़ों करोड़ों रुपए का फायदा हो जाएगा। इसलिए आप किसानों को समझाओ गोबर की खाद डालो। फिर कुछ किसान कहेंगे जी उत्पादन होगा क्या, उनसे कहना गारंटी मेरी, गारंटी भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की। थोड़े दिन में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की तरफ से हम किसानों को कहेंगे कि आप बिंदास गोबर की खाद डालो, गारंटी हमारी, 1 ग्राम भी उत्पादन कम नहीं होगा। कैसे कम नहीं होगा? डालने का तरीका है। डालने का तरीका क्या है? अभी किसान गोबर कैसे डालते हैं? गोबर डालते हैं, वो घूरा है, घूरा गांव में कचरा डालने का, वहां गोबर इकट्ठा करते हैं, 6 महीने 8 महीने साल भर वो सूखता रहता है, और सूख सूख के उसकी सारी ताकत निकल जाती है, फिर वो सूखा हुआ गोबर हम डालते हैं, इससे उत्पादन ज्यादा नहीं आता। गोबर को हमेशा गीला डालना चाहिए, ताजा डालना चाहिए। गोबर को अगर पानी में घोल के डालो ना तो वही 3 गुना ज्यादा फायदा करता है। तो किसानों को ये समझाओ कि गोबर को सुखा के खेत में ना डालें, उसको पानी में घोल के डालें। तो कैसे घोलेंगे पानी में, उसका फॉर्मूला लिख लो आप, और जो जो गांव में जाने वाले कार्यकर्ता है ये सब किसानों को आप बोलो कितना गोबर डालना है, कितना पानी उसमें मिलाना है, कितने बीघे के लिए काम में लाना है उसको। अब आपको मैं एक मोटी सी बात बता देता हूं, 1 एकड़ माने 2.5 बीघा, 5 बीघा नहीं, 2.5 बीघा। तो 1 एकड़ 2.5 बीघे का हिसाब जोड़कर बताता हूं, एक किसान को एक बार में 1 एकड़ फसल के लिए कितना गोबर डालना पड़ेगा, गीला करके डालेंगे तो 10 किलो गोबर, बस 10 किलो गोबर, 10 किलो गोबर, फिर से सुन लो, 10 किलो, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 100 किलो नहीं, 10 किलो गोबर 1 एकड़ के लिए डालना। कैसे लिख लो 10 किलो गोबर, फिर इसमें चाहिए 10 लीटर मूत्र, जिस जानवर का गोबर उसी का मूत्र, गाय का गोबर तो गाय का मूत्र, भैंस का गोबर तो भैंस का मूत्र, बैल का गोबर तो बैल का मूत्र। अब आप बोलोगे गोबर तो इकट्ठा कर लेंगे, मूत्र कैसे इकट्ठा करें? जानवर जो मूत्र देते हैं ना, जहां पे आप जानवरों को रखते हो वहां पे पत्थर वत्थर लगा के एक छोटी सी नाली बना लो और उसमें ढाल लगा दो, जितना भी वो पेशाब करेंगे वो नाली में आ जाएगा, नाली के आगे एक खड्डा खोद दो, वो सारा उसमें जमा हो जाएगा, फिर वो ले लो। और मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, जानवरों के मूत्र की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल खराब ही नहीं होता, तो चिंता करने की बात ही नहीं है। तो इकट्ठा होता रहेगा खड्डे में, डालते रहो। तो 10 किलो गोबर, 10 लीटर मूत्र, ठीक है, फिर इसमें मिलाना है लगभग 1 किलो गुड़, आधे से 1 किलो गुड़ तो आप सब जानते हो, एक तो गुड़ होता है जिसको आप खा लेते हो,
एक तो गुड़ ऐसा होता है जिसको जानवर खा लेते हैं और एक गुड़ ऐसा होता है जिसको कोई नहीं खा सकता, गीला गीला, पुराना पुराना, काला काला, वो गुड़ खेत के बहुत काम का है। जो सबसे घटिया गुड़ है जिसको ना जानवर खा सकते हैं ना आपका, वो खेत के लिए बहुत काम का है। तो वो गुड़ ले लो आधे से एक किलो, गोबर हो गया, मूत्र हो गया, गुड़ हो गया। अब इसमें लगभग एक किलो डालना है दाल का आटा, दाल है ना, दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल, सोयाबीन की दाल, खेसरी खेसारी की दाल, कोई भी दाल, एक किलो उसका आटा। चार चीजें हो गई, गोबर, गोमूत्र, गुड़, दाल का आटा, और इसमें डालनी है एक मुट्ठी मिट्टी। एक मुट्ठी में आधा किलो या पौन किलो तक मिट्टी आती है। मिट्टी कहां से लानी है? आपके खेत के आसपास अगर पीपल का कोई पेड़ है, बरगद का कोई पेड़ है, तो उसके नीचे से खोद लो मिट्टी, पीपल के पेड़ के नीचे की या बरगद के पेड़ के नीचे की। पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे की ही मिट्टी क्यों खोदना? आपको मालूम है पीपल और बरगद के पेड़ हर समय ऑक्सीजन देने वाले पेड़ हैं, और ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ के नीचे जीवाणुओं की संख्या बहुत होती है। तो पीपल और बरगद के पेड़ के मिट्टी में जीवाणु सबसे ज्यादा होते हैं, यही जीवाणु खेत को चाहिए। तो मिट्टी ले ली, पांच चीजें हो गई, गोबर 10 किलो, मूत्र 10 लीटर, गुड़ लगभग 1 किलो, दाल का आटा 1 किलो, और मिट्टी लगभग 1 किलो। ये पांचों चीजों मिला दो, घोल दो, हाथ से घोल लेना, खराब नहीं होंगे हाथ, नहीं तो डंडे से घोल देना, एक ड्रम में घोल लेना, प्लास्टिक के ड्रम में घोल लेना, नहीं तो लोहे के ड्रम में घोल लेना। प्लास्टिक का होगा तो अच्छा, लोहे वाला क्षरण ज्यादा होता है। अब इसको घोल के 15 दिन रख देना, 15 दिन रख देना। घोलने में तकलीफ आए तो थोड़ा पानी मिला देना, ज्यादा मत मिलाना, थोड़ा ही मिलाना। घोल के 15 दिन रख देना, 15 दिन के बाद ये खाद तैयार हो जाएगा। इस खाद में क्या होगा, करोड़ों करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु पैदा हो जाएंगे। वो जो मिट्टी डाली ना, मिट्टी के जीवाणु अगर 1 लाख हैं तो 15 दिन में वो 100 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे। ढक के रख लो तो अच्छा है, छांव में रखना सबसे अच्छा, धूप में बिल्कुल मत रखना, पेड़ के नीचे की छांव में रखना, नहीं तो कोई ऐसी जगह रखना जहां सूर्य का प्रकाश ना आता हो, और इस पे कपड़ा बांध दो, ढक्कन लगा दो, जैसे है ढक लो। अब ये 15 दिन में तैयार हो गया, इसमें करोड़ों जीवाणु तैयार हो गए। अब ये जीवाणु घोल, इसको जीवाणु घोल कहते हैं, इसको खेत में डालना है। डालने से पहले इसमें पानी मिलाना है, और पानी कितना मिलाना है, जितना गोबर था उसका 10 गुना पानी, 10 गुना कम से कम, 100 लीटर पानी, 10 किलो गोबर तो 100 लीटर पानी, और ज्यादा से ज्यादा पानी मिला सकते हैं तो 200 लीटर। तो 100 से 200 लीटर पानी मिला लिया, अब ये पूरा परफेक्ट घोल हो गया। इसको 1 एकड़ के खेत में छिड़कना है, जैसे पानी छिड़कते हैं ना मिट्टी दबाने के लिए, ऐसे ही छिड़कना है। बस आप इसको छिड़क देंगे तो ये करोड़ों जीवाणु मिट्टी में पहुंच जाएंगे, तो मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी, और मिट्टी में सारा खेल खेलने का काम जीवाणु करते हैं। आपको मालूम है जीवाणु क्या करते हैं? जीवाणु सारा काम करते हैं। पौधे की जड़ को नाइट्रोजन की जरूरत है तो ये जीवाणु उपलब्ध कराते हैं, पौधे की जड़ को कैल्शियम चाहिए तो ये जीवाणु उपलब्ध कराते हैं, पौधे की जड़ को आयरन चाहिए तो ये जीवाणु, माने पौधे को बड़ा होने के लिए जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए और फिर वो हमारे शरीर में वास्तव में चाहिए, वो सब इन जीवाणुओं की करामात से ही मिलता है। तो पौधे की जड़ को भरपूर सूक्ष्म पोषक तत्व मिलने लगेंगे, पौधे की बढ़त बहुत तेज होगी, और जिस पौधे की बढ़त अच्छी होगी उसका फल अच्छा होगा, जिसका फल अच्छा होगा उसका उत्पादन अच्छा होगा। अब इसमें समय लिख लो, कितनी बार डालना, कब डालना। सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि खेत को जब जोतने की तैयारी करें ना, जोतें, बीज डालने से पहले खेत जुताई होती है ना, खेत जुताई करते ही 1 दिन डाल दो, आज जुताई किया कल डाल दो, जुताई करके डाल दो, ये पहली बार, ठीक है। फिर इसके डालने के 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद या 5 दिन बाद बुआई कर दो,
है, कितना डाल सकते हैं बताए ना, एक एकड़ में जितना तैयार हुआ 200 लीटर वो, तो आपने इसको जोत के एक दो दिन में डाल दिया, फिर बीज बो दो, बीज बोने के 21वें दिन में फिर डाल देना, आज बीज बोया तो ठीक 21 दिन बाद एक बार फिर डाल देना। क्या होता है ना, बीज में से अंकुरण होता है और अंकुरण होने के 21वें दिन तक वो मिट्टी की ताकत से बढ़ता है, फिर 21 दिन के बाद वो सूर्य की ताकत से बढ़ना शुरू हो जाता है, फोटोसिंथेसिस जिसको कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, सूर्य ताप से खाना बनाना शुरू कर देता तो बढ़त तेज हो जाती। तो और आप मोटी सी एक बात याद रखो कि हर 21वें दिन पर डाल देना, आज डाला 21 दिन बाद डाला, फिर 21 दिन बाद डाला, फिर 21 दिन बाद डाला, तो एक फसल अगर आप समझ लो 4 महीने की है तो लगभग 5 बार डालना पड़ेगा, कोई फसल 6 महीने की है तो 7-8 बार डालना पड़ेगा, 8 महीने की है तो 10-11 बार डालना पड़ेगा। अब इसमें खर्चा क्या है, जानवर अगर घर के हैं तो गोबर फोकट का, मूत्र फोकट का, गुड़ मैं कह रहा हूं सबसे सड़ा हुआ जिसको फेंक देते हैं वो भी फोकट में मिल जाएगा, पानी तो फोकट का है ही, थोड़ा दाल वाल लेना पड़ेगा तो उसका खर्चा आएगा, लेकिन किसान अगर दाल पैदा करता है तो वो भी घर की हो जाएगी, माने खाद बनाने का खर्चा लगभग शून्य आएगा, मेहनत लगेगी, पूंजी में पैसा कम से कम खर्च होगा। और ये खाद जो तैयार होगी इसमें जबरदस्त क्वालिटी है, क्योंकि इसमें कैल्शियम भरपूर, आयरन भरपूर, फास्फोरस भरपूर, क्या क्या इसमें है, गोबर है, गोबर में कैल्शियम है, आयरन है, सल्फर है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, 18 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो चाहिए मिट्टी को, फिर गुड़ है, गुड़ में जबरदस्त फास्फोरस है, गुड़ में जबरदस्त कैल्शियम है, फिर मूत्र में ये सब है, तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व तो हमें चाहिए वही मिट्टी को चाहिए, वो सब इस खाद में भरपूर है, यूरिया में नहीं है, डीएपी में नहीं है, यूरिया में कैल्शियम नहीं है, डीएपी में कैल्शियम नहीं है, और कैल्शियम सबसे प्रमुख आधार है मिट्टी के लिए, क्योंकि खेत में कैल्शियम होगा तो पौधे में होगा, पौधे में होगा तो फल में होगा, फल में होगा तो भोजन में होगा, भोजन में होगा तो शरीर में होगा, शरीर में होगा तो हड्डियां मजबूत, हड्डियां मजबूत तो शरीर मजबूत, ये सारा साइकिल इसी कैल्शियम के उस पे है, तो ये तो गोबर की खाद से ही मिलेगा, यूरिया डीएपी से मिलने ही वाला नहीं है, तो किसान को ये समझाइए आप। अब आपको समझ में आ गया, हर 21 दिन में डालना है, जबरदस्त फसल आएगी, पहली बार जब आप डालोगे ना तो किसान थोड़ा झिझक करेगा, उसको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो उसको कहना कि भाई तुम डालो, नुकसान तुम्हारा नहीं होगा। मैंने बहुत किसानों का हिसाब निकाला है, खराब से खराब खेत में जब गोबर का खाद डालते हैं ना तो गेहूं का उत्पादन पहले साल की तुलना में थोड़ा ही कमाता है, लेकिन उत्पादन जितना कमाता है उससे ज्यादा खर्चा बच जाता है, तो वो बराबर मामला बैठता है। हम यूरिया डीएपी में खर्चा करते हैं 1000 रुपए का तब उत्पादन लेते हैं, यहां खर्चा ही नहीं है, थोड़ा उत्पादन कम भी हुआ तो फायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं, इसलिए किसी किसान का नुकसान नहीं। और 2-3 साल लगातार आपने डाल दिया तो उत्पादन बढ़ना शुरू हो जाता है, लगातार बढ़ता है, और 10-12 साल में तो कई खेत ऐसे हैं जहां उत्पादन सीधे डबल हो जाता है, 100% की बढ़ोतरी हो जाती है। नहीं नहीं छानने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही डालो, उसमें जितना कचरा है सब खेत में जाने दो, क्योंकि कचरे में जीवाणुओं की संख्या और तेजी से बढ़ेगी, छानने की जरूरत नहीं है। अब आप डालोगे कैसे ये प्रश्न है, तो उसके लिए 4 विधि है। पहली विधि ये है कि सीधे डब्बा लो और छिड़काव करो खेत पे, भरो और छिड़क दो, भरो और छिड़क दो। अब कहोगे जी खेत बहुत बड़ा है ये तो नहीं चल सकता, तो दूसरा तरीका बताता हूं, खेत में पानी लगाते हैं ना, पानी में डाल दो, नाली में से पानी जा रहा है ना, एक टंकी में भर के ये खाद रख दो, उसमें नल लगा दो, टोटी खोल दो, टपक टपक पानी में गिरता रहेगा, खेत में चला जाएगा, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये है कि अगर किसी के घर में जानवरों की संख्या ज्यादा है तो गोबर ज्यादा होगा उसके पास, तो थोड़ा सा गोबर तो इसमें इस्तेमाल हुआ, बचे हुए गोबर का क्या करेंगे, तो बचा हुआ गोबर अगर सूखा है तो उसको इसी में डाल देना 15 दिन के बाद 200 लीटर पानी मिला के, तो वो गोबर भी गीला हो जाएगा, गीले गोबर के लड्डू बना लो और लड्डुओं को खेत में फेंक दो,
तो खाद पहुंच जाएगा। और एक तरीका है, खेत में से मिट्टी खोद लो, मिट्टी खोद लो, मिट्टी में ये पूरा घोल मिला दो, मिट्टी गीली हो गई, मिट्टी के लड्डू बना लो, लड्डुओं को खेत में फेंक दो तो खाद पहुंच जाएगा। तो पानी के साथ दे सकते हैं, छिड़क के डाल सकते हैं, गोबर या मिट्टी को लड्डू बना के डाल सकते हैं। और एक आखिरी तरीका है, स्प्रे मशीन अगर अपने पास है तो उसका आगे से नोजल निकाल दो, नोजल निकाल दो, फिर उससे स्प्रे कर दो। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि ये फसल पे स्प्रे नहीं होगा, ये जमीन पे होगा, मिट्टी पे होगा। फसल पे डालने से फायदा नहीं मिलेगा, मिट्टी में डालना है इसको। तो अगर फसल ऊंची है तब कैसे डालेंगे, तब तो पानी लगाओगे तभी डालना सबसे अच्छा है। इसमें एक तरीका यह है कि खेत का मुहाना होता है ना, जहां से पानी घुसता है, वहां एक आदमी को बिठा दो डब्बा लेके, पटक पटकता रहेगा, उसमें पानी के साथ जाता रहेगा और पानी के साथ पूरे खेत में बराबर मात्रा में जाता है और रिजल्ट उसका सबसे अच्छा आता है। और एक तरीका है इसको डालने का, अगर आपके घर में गोबर का वो बनाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, कंडा कहते हैं, उपला कहते हैं, क्या कहते हैं, कंडा उपला जो भी कहते हैं, उसको जलाते हैं, जलाने के बाद राख निकलती है ना, वो राख इकट्ठी कर लो और ये घोल और राख मिला दो और फिर लड्डू बन जाएंगे, फिर खेत में छिड़क दो, तो इसका तो जबरदस्त उत्पादन आता है। क्योंकि जो राख है ना, इसमें कई केमिकल अतिरिक्त हैं जो गोबर और गौमूत्र से भी ज्यादा है। तो ये तरीका समझ में आ गया, हर 21 दिन पे डालेंगे, 4 महीने की फसल है तो 5-6 बार डालना पड़ेगा, 6 महीने हैं तो 7-8 बार, इसी तरह से पूरी खेती होती रहेगी। गोबर किसी भी जानवर का, गाय का हो, भैंस का हो, बैल का हो, बकरी बकरे का हो, गधे घोड़े का हो, हाथी ऊंट का हो, कोई भी हो, सब चलेगा। मूत्र भी किसी जानवर का, ठीक है, और आधा आधा मिले तो वो भी चलेगा, गाय का आधा ले लिया, भैंस का आधा, किसी के पास गाय नहीं हो, किसी के पास भैंस नहीं हो, एक एक गाय एक एक भैंस और खेत बड़ा है तो आधा आधा सब मिक्सिंग करके चलेगा। बस एक ही सावधानी रखना कि जो जो गाय का गोबर लो तो वो देशी गाय हो तो अच्छा होगा, जर्सी का फायदा पूरा नहीं करेगा, और जर्सी का ही गोबर है तो उसमें देशी का मिला लेना, नहीं तो कोई फायदा नहीं करेगा। जर्सी गाय है उसका गोबर है, उसमें देशी गाय का 1-2 किलो गोबर मिला लेना, वो वैसे ही काम करता है जैसे 100 किलो दूध में 1 चम्मच दही डालो तो पूरा दूध दही हो जाता है, वैसे ही 100 किलो जर्सी गाय के गोबर में 1 किलो देशी का डाल दो तो देशी गाय के जीवाणु अपनी संख्या अपने आप बढ़ा लेते हैं। और धीरे धीरे मेरी बात मानो तो जर्सी गाय बेचते जाना, देशी लेते जाना, क्योंकि ये जर्सी गाय के दूध में दम नहीं है। आपको मालूम नहीं है, दुनिया में भारत को छोड़कर जर्सी गाय का दूध कोई देश नहीं पीता। डेनमार्क में सबसे ज्यादा जर्सी गाय है, डेनमार्क वाले दूध ही नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? कैंसर होने की संभावना है जर्सी गाय के दूध से, घुटनों का दर्द तो तुरंत हो जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। और जर्सी गाय को एक खतरनाक बीमारी होती है, मैड काउ डिसीज, उस बीमारी के चक्कर में दूध भी उसका प्रदूषित होता है, इसलिए जर्सी का दूध दुनिया में कोई नहीं पीता। डेनमार्क की सरकार तो दूध ज्यादा होने पर समुद्र में फिकवा देती है। आपको सुनकर हैरानी होगी, डेनमार्क में दूध बहुत है, चाय बिना दूध की पीते हैं सबके सब, क्योंकि वो दूध उनको खराब लगता है। तो जर्सी गाय बेच के देशी लेते जाना, भैंस हो तो उसका तो चल जाएगा, बैल का चल जाए। अब एक आखिरी चीज और बता दूं, उसको आप लिख लो, ये तो हुआ खाद। अब किसान कहेगा कीड़ा लग गया, तो कीड़ा लग सकता है ना, तो उसका भी एक फॉर्मूला लिख लो। कीड़ा अगर लगता है, कीट लगता है, तो उसकी दवा भी हम खुद बना के छिड़क सकते हैं, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। कीड़ा मारने की दवा कैसे बनेगी? 20 लीटर जानवरों का पेशाब ले लो, गाय का, बैल का, भैंस का, 20 लीटर, ठीक है, ये 1 एकड़ के लिए बता रहा हूं। फिर इसमें 2.5-3 किलो नीम के पत्ते की चटनी डाल देना, नीम के पत्ते की चटनी, नीम का पत्ता है, पीस के चटनी बना के डाल देना 2.5-3 किलो।
और आंकड़ा देखा है, आंकड़ा, आंकड़ा के पेड़ के पत्ते की भी चटनी डाल देना 2.5-3 किलो। आंकड़ा, आंक कहते हैं आंक, कुछ लोग अकौआ कहते हैं उसको, आंक, आंकड़ा, अकौआ, हाँ वही जो हनुमान जी पे चढ़ाते हैं जिसमें सफेद सफेद दूध निकलता है। और एक तीसरा पत्ता है, सुनो सुनो भाई, एक तीसरा पत्ता है बेशरम। बेशरम जो है ना, अक्सर गांव में घुसते हैं ना तो दोनों तरफ किनारे किनारे लगा रहता है पान के जैसा पत्ता, बैगनी रंग का फूल आता है उसमें, ना खुशबू होती है ना कुछ होता है, बिना पानी के बिना बीज के होता है, इसलिए बेशरम कहते हैं। तो 2-2.5 किलो ले लो। और एक पत्ता है आपके गांव में अगर मिले तो सीताफल का पत्ता, शरीफा जिसको कहते हैं, सीताफल शरीफा, उसका पत्ता 2-2.5 किलो ले लो। और अगर गांव में मिल जाए ना तो वो घास आती है ना कांग्रेस घास, उसको चटनी बना के डाल दो 2-2.5 किलो। और इसमें थोड़ा सा खूब तीखी लाल मिर्च हो हरी मिर्च हो तो वो पीस के डाल दो 250-300 ग्राम, लहसुन पीस के डाल दो 0.5 किलो के करीब। गाजर घास, वही वही। और मैं आपको एक मोटी सी बात बताता हूं, वो याद रखो, जिन जिन पत्तों को गाय नहीं खाती, फिर से सुनो, जिन जिन पत्तों को गाय नहीं खाती और आपके गांव में उपलब्ध है वो सब पत्ते पीस के डाल दो इसमें, गाय को खिला के देख लो, खा रही है तो नहीं डालना, नहीं खा रही है तो पीस के डाल देना है, मोटी बात याद रखो। तो 3-4 तरह के पत्ते डाल दिए, थोड़ा लहसुन डाल दिया, थोड़ा मिर्ची डाल दी, 20 लीटर मूत्र में डाल के इसको उबालना है, गरम करना, उबाल के ठंडा कर लो, ठंडा करके 200 लीटर पानी मिला दो, अब ये दवा तैयार हो गई कीटनाशक, इसको स्प्रे कर दो किसी भी फसल पे, तो 48 घंटे माने 2-3 दिन में सारे कीट खत्म कर देता है, एक पैसे का खर्चा नहीं होता, बाजार से कुछ नहीं लाना पड़ता। ये हर फसल में काम आता है, गेहूं में, चावल में, चने में, दाल में, मटर में, गन्ने में, हर तरह की फसल में ये उपयोग हो सकता है। तो कीटनाशक दवा बनाने का आपको मालूम, खाद बनाने का आपको मालूम, अब यूरिया डीएपी और एंडोसल्फान गांव गांव से हमें बंद कराना है, 4,80,000 करोड़ रुपए किसानों का बचाना है, 2,32,000 करोड़ रुपए शहर वालों का बचाना है, ये दोनों मिला दें तो करीब 7-8 लाख करोड़ रुपए देश का हम बचा सकते हैं स्वदेशी आंदोलन की ताकत से। और बाहर से जो इंपोर्ट हो रहा है करीब 7 लाख करोड़ का, अगर पक्के स्वदेशी वाले लोग हो जाएं तो इंपोर्टेड चीजें भी बंद हो सकती हैं, 14 लाख करोड़ का फायदा, माने इतना बड़ा फायदा हम पूरे देश को दे सकते हैं अपने स्वदेशी आंदोलन और अभियान से। इसलिए स्वदेशी आंदोलन और अभियान को गांव गांव जाके चलाना है, और आपको इसके लिए उस जमाने में लोकमान्य तिलक ने जैसा परिश्रम किया, महात्मा गांधी ने जैसा परिश्रम किया, विपिन चंद्र पाल ने जैसा परिश्रम किया और क्रांतिवीरों ने जैसे परिश्रम किया, वैसा ही परिश्रम आपको करना है, ताकि क्या होगा, जैसे आज हम लोकमान्य तिलक का नाम याद रखते हैं अपने देश के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपनी आजादी के लिए, वैसे ही आपका नाम आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी इस देश के दूसरे स्वदेशी आंदोलन के लिए। ऐसा कहकर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। फिर आप बोलोगे कि देशी गाय का दूध कब है, दूध बढ़ा लो, दूध बढ़ाने का बहुत सरल तरीका, अच्छा खाना खिलाओ गाय का दूध बढ़ेगा, अच्छा खाना खिलाओ, अच्छे खाने से मतलब हरा चारा खिलाओ उसको रोज, दूध बढ़ेगा, बिनौला खिलाओ, बिनौला दूध भरपूर बढ़ेगा, और दूध ही नहीं बढ़ेगा, दूध में घी भी बढ़ेगा। मैंने एक गाय का परीक्षण किया था अपने घर में, मैंने एक गाय खरीदी जो 1.25 लीटर दूध देती, और उसको अच्छा खली खिलाना शुरू किया, खल समझते हैं, तेल निकालने के बाद जो खली, वो खिलाना शुरू किया, कभी तिल की खली खिलाता था, कभी मैं इसकी खिलाता था कपासिये की, कभी सरसों की खिलाता था, तो वो सतत शुरू किया। वो गाय
दिन हमारे घर में आखिरी बार उसने बच्चा दिया, उसके बाद तो आप जानते हैं एक समय के बाद गाय बच्चा देना बंद कर दी। तो आखिरी बच्चा जब उसने दिया था तो उसका दूध 7.5 लीटर हो चुका था, 1.25 लीटर से 7.5 लीटर। फिर उसकी आगे की जो बछड़ी है, उस गाय की जो बेटी थी, उसको भी अब हमने गाय बनाया है। आज उसकी बेटी का दूध 12 लीटर है। अब उसकी बेटी की बेटी आ रही है, हमारी गारंटी है तो उसका 16-17 लीटर दूध होगा। और उसकी जब चौथी पीढ़ी आ जाएगी तो 25 लीटर तक दूध हो जाएगा। दूध बढ़ाया जा सकता है। गाय को अगर अच्छे से खाना खिलाओ, हरा चारा खिलाओ, दूध बढ़ता है। बिमारा खिलाओ, दूध बढ़ता है। खली खिलाओ, दूध बढ़ता है। और गाय को प्राकृतिक गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान नहीं, इंजेक्शन से गर्भवती नहीं बनाना, प्राकृतिक जो पद्धति है गर्भाधान कराने की वही कराओ, भरपूर दूध बढ़ता है। और गाय को थोड़ा घूमने के लिए छोड़ो, एक दिन में 3-4 घंटे वो घूम टहल के आए, दूध बहुत बढ़ता है। और गाय इतनी समझदार है कि उसको पानी वाला अगर बीमार है तो उसको मालूम है वो जंगल में जाएगी, कोई जड़ी बूटी खा के आएगी, उसका रस दूध में आएगा, वो दूध पियो तो मालिक ठीक हो जाए। इतनी सेंसिटिव ये मैंने मेरे घर में देखा। और उसकी ये सेंसिटिविटी ही है जो उसको मां का दर्जा भारत की संस्कृति में मिला है। तो गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, दूध का बनाया हुआ दही, दही की छाछ, छाछ का मक्खन, मक्खन का घी, ये सब गाय का बहुत उपयोगी है। ये घर घर उपयोग होने लगे, गोबर और गौमूत्र से खेती होने लगे। तो मैंने हिसाब एकदम निकाला कि गोबर गौमूत्र की खेती होगी तो अनाज जो पकेगा वो शुद्ध होगा, उसमें जहर नहीं, यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट, शुद्ध अनाज खाएंगे तो शुद्ध शरीर होगा, शुद्ध शरीर होगा तो शुद्ध मन होगा, शुद्ध मन होगा तो विचार शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे तो आचरण शुद्ध होगा, आचरण शुद्ध होगा तो कर्म शुद्ध होगा, कर्म शुद्ध होगा तो दुनिया का स्वर्ग इसी जमीन पर उतर आएगा। और गाय कटना बंद हो गई तो आशीर्वाद उसको इतना उसका मिलेगा हमको कि ये देश फिर से सोने की चिड़िया हो जाए। ये देश सोने की चिड़िया था जब गाय थी, जिस दिन से गाय कटना शुरू हुई ये देश रसातल में जाना शुरू हो गया। भारत की गिरावट उसी दिन से शुरू हुई है जिस दिन से गाय का कत्ल शुरू हुआ, और जब तक ये कत्ल बंद नहीं होता भारत फिर से ऊंचा कभी आएगा नहीं। तो इसलिए हमने रक्षा अभियान चलाया, उसका गांव गांव हम प्रचार करते हैं। आपको भी मैं निवेदन करने आया कि आप गांव गांव से आए हैं, इसी गोरक्षा की बातें गांव गांव में कहें। तो आप बोलेंगे ये सब बातें बोलने के लिए अगर जरूरत पड़े तो हम लोगों ने कुछ किताबें बनाई है। एक पुस्तक बनाई है, उसका नाम है गोमूत्र चिकित्सा, पंचगव्य चिकित्सा। गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दूध, दूध का बनाया हुआ दही, दही से निकाला हुआ मक्खन और घी, ये 6 वस्तुएं जो गाय से मिलती है, इनका क्या क्या चिकित्सा में हम उपयोग ले सकते हैं। तो 148 रोगों में गाय के शरीर से मिली हुई किस वस्तु का क्या उपयोग है, वो पूरी पुस्तक है, करीब 100 पन्ने की है। वो पीछे एक स्टॉल है, आप वहां से ले सकते हैं। इस पुस्तक को आप लेके जाइए, ध्यान से पढ़िए, और इसमें दिए हुए जो फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, वो 6 साल से मेरे खुद के एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, अद्भुत परिणाम है, वो आप लोगों को बताना शुरू कर दीजिए। एक दूसरी पुस्तक बनाई है स्वावलंबी खेती, गाय के गोबर और गोमूत्र से खेती कैसे करें और किस फसल में कितनी मात्रा में दें, उसकी पूरी पुस्तक है 100 पन्ने की, स्वावलंबी खेती। एक तीसरी पुस्तक है स्वदेशी चिकित्सा, मैंने रसोई घर में जो कुछ है, मैंने आपसे कहा ना, जैसे नमक है, जीरा है, हल्दी है, धनिया है, तुलसी है, अदरक है, और गोमूत्र का इनका आपस का कॉम्बिनेशन क्या है, वो पुस्तक है स्वदेशी चिकित्सा, रसोई घर उसकी और गाय के मूत्र। एक और पुस्तक है सौंदर्य चिकित्सा, माने चर्म रोग जितने होते हैं शरीर को, स्किन के जितने भी डिसीज है, इसमें क्या रोग है और क्या औषधि है, वो भी करीब 125 पन्ने की पुस्तक है। ऐसी एक गंभीर पुस्तक है, गंभीर रोगों की चिकित्सा, गाय के मूत्र से, रसोई घर की औषधियों से। हमारे जीवन में 48 गंभीर रोग है, जैसे कैंसर, जैसे डायबिटीज, जैसे अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऐसे 48 गंभीर रोग हैं जिनमें या तो शरीर कटता है या आदमी की मृत्यु होती है।
इन गंभीर रोगों को कैसे ठीक करें रसोई घर से और गाय के मूत्र से, वो पुस्तक है गंभीर रोगों की चिकित्सा। ऐसी कुल 5-6 किताबें हैं जो हमने बनाई है, पीछे स्टॉल पर है, आप ले जाइए, इन किताबों को ध्यान से पढ़िए और लोगों को बताइए। और ये जो व्याख्यान मैंने दिया, अगर इस विषय में आपको ज्यादा रुचि है तो 40 घंटे का ऐसा ही एक व्याख्यान है, उसकी सीडी बनाइए, वो सीडी भी है, ऑडियो सीडी है, वीडियो सीडी है, वो आप ले सकते हैं, टीवी पर देख सकते हैं, दूसरों को दिखा सकते हैं, सुन सकते हैं, दूसरों को सुना सकते हैं, और उसकी कॉपी कर करके दूसरों को बांट सकते हैं। मेरा किसी पर कॉपी राइट नहीं है, सबको कॉपी करने का राइट है। आप उसकी कॉपी बनाए, गांव गांव बांटे, गली गली बांटे, ये अभियान गाँव में चल पड़े, शहर में चल पड़े और इतना तेजी से चले कि छत्तीसगढ़ के एक एक किसान तक ये जानकारी पहुंच जाए कि गाय का मूत्र कीमती है, गोबर कीमती है, उसको बेचो ना तो उसको काटो ना तो उसको पालो, तो आप भी सुखी रहोगे और देश भी सुखी रहेगा। इसी भावना से ये बातें मैं आपसे कहने आया, आपने मेरे ध्यान और शांति से सुना, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। दूसरों को अगर आप ये बातें सुनाएंगे तो और भी आभारी रहूंगा। और इस अभियान से अगर आप जुड़ना चाहें तो पीछे जहां ये पुस्तक और सीढ़ी है वहीं पर आप नाम पता ले सकते हैं, अनुपत्र लिख सकते हैं, अपना नाम पता उनको ले सकते हैं, वो आपको पत्र लिख सकते हैं, और हम और आप मिलकर इस अभियान को बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, जिससे ये देश गो पालने और गो संवर्धन का देश बने और इस देश में स्वदेशी और स्वावलंबन बढ़े। लाखों करोड़ रुपए देश के बचे हमारा स्वास्थ्य टिके, ऐसी भावना के साथ आप सभी का आभार, बहुत धन्यवाद। सामने ही है स्टॉक, वहीं पर किताब और सीढ़ी है, पता लेना जिन्हें भी वही हो सकता है।